एक्सपेंडिचर अलग से और बाकी चीजें कैपिटल वगैरह दैट इज इरेलेवेंट, बट द कंपल्शन इज दैट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलग से दिखाना चाहिए. सो यस, गवर्नमेंट विल प्रेजेंट अ बजट लाइक दैट. ऑफ कोर्स देयर इज नो कंपल्शन टू शो प्लान एक्सपेंडिचर अलग से, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर अलग से. तो प्लान बजट, नॉन प्लान बजट ऐसा कुछ रखना है पार्लियामेंट में, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. एनी वेज प्लानिंग कमीशन वॉज ऑल्सो एबॉलिश, तो वो सारी चीजें भी हम लोग पढ़ेंगे बट लेटर ऑन. बट अभी के लिए तो इतना याद रखना है, दिस प्लान नॉन प्लान बजट वो सारी चीजें फ्रॉम 2017 दे हैव स्टॉप्ड इट. देयर इज नो कंपल्शन टू पुट अ सेपरेट रेल बजट, तो वो भी 2017 से बंद कर दिया है. देयर इज नो कंपल्शन टू पुट द बजट ऑन फेब्रुआरी का लास्ट वीक, वो तो अभी फर्स्ट वीक्स फर्स्ट वर्किंग डे में करते हैं बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट मैंडेटेड थिंग्स लाइक दिस. सो दीज आर गिवन ऑन पेज 96. ऑफकोर्स दे विल आस्क द ट्रिकी क्वेश्चन आउट ऑफ हियर, कैसे कि विथ वोट ऑन अकाउंट विथ इंटरिम बजट, वो मिक्स मैच करके आपको कुछ पूछेंगे. सो यस, प्लीज अपडेट दिस टू थिंग्स, कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो कंपल्शन, प्लान वर्सेज नॉन प्लान दिखाओ या रेलवे बजट अलग से दिखाओ. सिंपल टर्म्स आर देयर, ठीक है. ओके, सो आई होप इट इज डन, अदरवाइज क्लास के बाद भी कर सकते हैं, वेरी सिंपल एंड इजी टू रिमेंबर थिंग्स. नाउ देयर इज अ साइड टॉपिक कॉल फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर क्या है अपना, 1 अप्रैल से लेके अगले साल की 31 मार्च. सो ऑफन देयर इज अ डिबेट की शुड इट बी चेंज टू जनवरी टू डिसम्बर. नाउ ओरिजिनली इन 1867 कॉलोनियल लेगेसी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा किया था फ्रॉम 1 अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर 31 मार्च. इन 2016-17 गवर्नमेंट ने कमिटी फॉर्म की थी, शंकर आचार्य कमिटी, कि वेदर वी शुड चेंज दी फाइनेंशियल ईयर विथ कैलेंडर ईयर, कि एक जनवरी से लेके 31 दिसंबर, या फिर भारत के अंदर जो रबी खरीफ क्रॉपिंग सीजन होता है उसके साथ अलाइन करके अपना अलग से कुछ नवंबर वाला फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए, सो दैट वी कैन गेट बेटर एस्टिमेशन ऑफ टैक्स एंड एक्सपेंडिचर एंड एवरीथिंग. बट देन इन 2017 जब रिपोर्ट आया और कुछ स्टेट से भी पूछा गया, दे वर नॉट इन फेवर की ये पूरी चीज अकाउंटिंग में और टैक्सेशन में इट विल क्रिएट न्यू इश्यूज, सो द चैलेंजेस दे आर आउटवेइंग द बेनिफिट्स, सो अल्टीमेटली नॉट इम्प्लीमेंटेड. सो देयरफॉर इट इज अ डेड टॉपिक. तो अभी ये फाइनेंशियल ईयर चेंज करना चाहिए और उसका ये शंकर आचार्य कमिटी, इट इज अ डेड टॉपिक, तो इसमें ज्यादा कुछ तैयार करने की, याद रखने की जरूरत है नहीं. नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण. इकोनॉमिक सर्वे इज अ 2 वॉल्यूम डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय, कौन प्रिपेयर करता है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इन दी फाइनेंस मिनिस्ट्री. उसमें क्या चीज़ होती है, लास्ट ईयर का एनुअल डेटा होता है एंड नेक्स्ट ईयर के लिए फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट एंड सजेशन दैट वी शुड बी डूइंग थिंग्स लाइक दिस. देर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन कि हर साल ये प्रिपेयर और प्रेजेंट करना है और पार्लियामेंट में बजट से पहले रखना है, बट यस यूजली दे विल पुट इट इन पार्लियामेंट बिफोर द टेबलिंग ऑफ बजट. सो ऑब्जर्व हियर, इन द ईयर 2018 बजट रखा होगा 1 फेब्रुआरी, उससे एक दिन पहले इन 31 मार्च दे वुड हैव पुट द, सॉरी 31 जनवरी दे वुड हैव पुट द इकोनॉमिक सर्वे. व्हेनेवर दे पुट द इकोनॉमिक सर्वे इट इज नेम्ड आफ्टर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. तो इधर 2018 के अंदर जो रखा होगा इकोनॉमिक सर्वे उसका टाइटल क्या होगा, इकोनॉमिक सर्वे 2017-18, क्योंकि ये पूरे लास्ट ईयर में क्या था और भविष्य में क्या करना चाहिए वो सारी चीज का वो डेटा देगा. सो इकोनॉमिक सर्वे इज नेम्ड आफ्टर द प्रीवियस ईयर, वेरेज इधर जो बजट रखा होगा इन 2018 इट इज नेम्ड आफ्टर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब 2018-19 जो कि 1 अप्रैल से शुरू होकर आगे चलने वाला है. सो बोथ थिंग्स से वो जनवरी फेब्रुआरी के अंदर ही टेबल करेंगे, से 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे रखा, 1 फेब्रुआरी को बजट रखा, बट द नेमिंग विल बी लाइक दिस, इकोनॉमिक सर्वे लास्ट ईयर के लिए बोलते हैं, बजट नेक्स्ट ईयर के लिए बोलते हैं. नाउ अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम, देखो फेब्रुआरी जनवरी में आप सोच सकते हो कि ये इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट दे वुड हैव प्रेजेंटेड, राइट. इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 एंड बजट 2018, ये सारी चीजें 2018 में प्रेजेंट की होगी. उसके बाद इन 2019 क्या होगा, 2019 फेब्रुआरी में इंटरिम बजट तो प्रेजेंट किया बिकॉज इट इज इलेक्शन ईयर एंड वो सारी चीजें, बट दे डिड नॉट प्रेजेंट एनी इकोनॉमिक सर्वे. नाउ इट इज एक्सपेक्टेड दैट आफ्टर द जनरल इलेक्शन, उसका रिजल्ट आया और उसके बाद इन द मंथ ऑफ जुलाई, इट इज एक्सपेक्टेड दैट इन द मंथ ऑफ दिस जुलाई आफ्टर द इलेक्शन एक नया जनरल बजट रखा जाएगा और इकोनॉमिक सर्वे रखा जाएगा. सो इकोनॉमिक सर्वे उस वक्त रखेंगे, उसका नाम क्या होगा, इट इज फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, राइट. सो 2018-19 वाला इकोनॉमिक सर्वे बोलना चाहिए,
बिकॉज सिमिलर थिंग व्हेन इट वाज डन इन 2014 की पहले इंटरिम बजट रखा था उसके साथ कोई इकोनॉमिक सर्वे नहीं, आफ्टर इलेक्शन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे वॉज प्रेजेंटेड. तो ऐसी चीज 2014 में हुई थी, उसी की पैरेलल अगर सोच के चले देन इट शुड हैपन लाइक दिस. बट प्रेजेंटली ऑफकोर्स देर इज नो इकोनॉमिक सर्वे मेड इन 2019. नाउ वेदर वी शुड बी प्रिपेयरिंग इकोनॉमिक सर्वे, अवर एग्जाम इज हियर, जून महीने में है. और मैंने आपको पहले भी बताया था वी हैव टू प्रिपेयर ऑल द वे फ्रॉम लास्ट डी माइनस वन ईयर, मतलब 1 जनवरी से जो भी चीजें करंट अफेयर्स में वी हैव टू प्रिपेयर देम. सो अकॉर्डिंगली प्रीवियस ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे दे हैज टू बी प्रिपेयर्ड. सो देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल कि आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाओगे कि नहीं. द आंसर इज यस, वी विल लुक एट द प्रीवियस इकोनॉमिक सर्वे. और एक सर्वे नहीं, सर्वे इज मल्टीपल, बिकॉज सम प्रीवियस 2-3 साल पहले वाले भी है जो कि स्टिल दे आर रेलेवेंट फॉर एमसीक्यू. सो वी हैव टू प्रिपेयर दोस स्पेसिफिक कंसेप्ट फ्रॉम द ओल्ड सर्वेज ऑल्सो, बट वी विल स्टडी देम एज एन वेयर एप्लीकेबल इन रिस्पेक्टिव पिलर्स. फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल ट्रेड के साथ पढ़ेंगे प्रोटेक्शनिज्म, तो उसमें कुछ उसने ऑब्जर्व किया है. सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, तो मेक इन इंडिया में वी शुड बी फोकसिंग ऑन टेक्सटाइल क्योंकि वहां पर वीमेन विल गेट मोर एम्प्लॉयमेंट लाइक दैट. फिर ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो बोलते हैं सन मेटा प्रेफरेंस की तकलीफ है, बेटियों को दिक्कत आ रही है, जनधन आधार मोबाइल यूनिवर्सल बेसिक इनकम. सो दीज आर लाइक 2-3 ईयर्स पहले से भी चीजें चल रही हैं एंड वी हैव टू स्टडी देम. सो यस वी विल बी स्टडिंग देम. तो यस वो रिस्पेक्टिव पिलर में देखेंगे. आज तो हम लोग पढ़ रहे हैं बजट एंड बजट का भी टैक्सेशन पार्ट देख रहे हैं. नाउ डू आई हैव टू रीड इकोनॉमिक सर्वे, ये स्टूडेंट के क्वेश्चन. यस यू हैव टू रीड द इकोनॉमिक सर्वे बाय योर सेल्फ, बट पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है, ओनली द इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन ऑफ ईच सर्वे का ईच चैप्टर. उसमें भी लास्ट 3-5 ईयर्स के सर्वे आप After the prelims, you can go for it. After the prelims, last 3-5 years के survey, अब ये वाली website indiabudget.gov.in, English Hindi दोनों में मिलते हैं, download and read them. For example, there is a chapter called Sun Meta Preference. तो पूरा chapter पढ़ने की जरूरत नहीं है, but ये first passage जो इधर है, that is called introduction, वो पढ़ना है. और last में उसने दिया होगा conclusion, बोल के ये 3-4 बड़े paragraph वो पढ़ने. So it will help you cultivate a particular clean vocabulary, expression skill for essay and means. तो yes, that you have to do it. बट वो अभी प्रीलिम्स के बाद, ना वी हैव ओनली 99 डेज, तो वो अभी से करने की जरूरत है. आफ्टर प्रीलिम्स यू डू दैट थिंग. वट एवर इज इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यू पोर्शन वो तो हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम दिस हैंड आउट एंड पावर पॉइंट एंड अदर थिंग्स. सो यस वन स्मॉल टॉपिक वी हैव टू सी विद दैट. इकोनॉमिक सर्वे कौन बनाता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मुख्य आर्थिक सलाहकार. तो वो किधर बैठता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री और उसका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. यूजुअली 3 साल का टेन्योर होता है, रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, बट इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडी. तो कोई गारंटीड ऐसा नहीं है कि इतने साल ही मिलेगा या कुछ. उसका काम क्या है? फर्स्ट ही विल प्रिपेयर द इकोनॉमिक सर्वे एंड सेकंड ही हैज द कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमिक सर्विस. इंडियन इकोनॉमिक सर्विस क्या है? दे आर कॉल्ड स्पेशलिस्ट. वेन वी से आईएएस, आईएएस इज अ जर्नलिस्ट, वो किसी भी विभाग में कुछ काम कर सकता है. इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ऑफिशियल दे आर स्पेशलिस्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक मैटर्स. सो दे विल बी पुट इन एवरी डिपार्टमेंट, बट उनका सिलेक्टेड काम होगा कि पूरे डिपार्टमेंट के जो योजना चल रही है या जो जितना एक्सपेंडिचर, फ्रॉम दैट दे विल सेंड सम डॉक्यूमेंट्स टू फाइनेंस मिनिस्ट्री और उसके ऊपर वो सजेशन देंगे एंड सो ऑन. सो दैट इज इंडियन इकोनॉमिक सर्विस. दे आर रिक्रूटेड बाय यूपीएससी, बट उनका अलग से सेपरेट एग्जाम होता है, जस्ट लाइक फॉरेस्ट सर्विस, स्टेटिस्टिकल सर्विस, इंजीनियरिंग सर्विस, इकोनॉमिक सर्विस. तो उसका कौन है बिग बॉस? व्हेन यू से आईपीएस इन अ स्टेट, तो बिग बॉस कौन होगा? डायरेक्टर, डीजीपी. सिमिलरली इधर कौन बिग बॉस होगा उनका? That will be chief economic advisor. But वो UPSC से recruit होके नहीं आता, he is an expert by his own worth. पहले भी CA कौन रह चुके हैं? Once upon a time Prime Minister Manmohan Singh, he was a former chief economic advisor, former अपने रघुराम राजन. And then from 2014 to 18 कौन थे? अरविंद सुब्रमण्यम. In 2018 December कौन आ गए हैं? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन. और उन्होंने अभी इकोनॉमिक सर्वे नहीं बना, बट वी आर एक्सपेक्टिंग दैट आफ्टर जनरल इलेक्शन ही विल कम विद दिस. सो ऑन पेज 97 दीज आर द बेसिक इन्फॉर्मेशन वी हैव टू मेमोराइज. वो किसके नीचे काम करते हैं? अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. और अभी कौन है, नाम याद रखना चाहिए? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन. सो प्लीज अपडेट दिस 2 स्मॉल फैक्टॉइड्स. ओके सरोज सिंह, शैलजा, दिनेश कुमार, यू हैव डन दिस थिंग, इजी टॉपिक. आगे बढ़ते हैं. नाउ स्पीकिंग ऑफ डिपार्टमेंट्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे कितने डिपार्टमेंट हैं? सबसे महत्वपूर्ण बोल सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि बजट बनाने का काम करता है.
एंड दे विल ऑल्सो अनाउंस द इंटरेस्ट रेट्स ऑफ द स्मॉल सेविंग स्कीम. याद करो वो सुकन्या समृद्धि योजना एंड किसान विकास पत्र एंड अदर थिंग्स. उसके इंटरेस्ट रेट कौन डिसाइड करेगा? ये इकोनॉमिक अफेयर्स. चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वो काम करता है, वो भी इस डिपार्टमेंट के नीचे काम करता है. सेकंड डिपार्टमेंट इज कॉल्ड डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर. तो खर्च के साथ जुड़ी हुई बातों को वो देखेंगे. देन देर इज अ बॉडी कॉल्ड कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, CGA. तो एवरी ईयर हाउ मच मनी वी हैव टू स्पेंड, उसके एस्टिमेट्स बनाने की काम वो सब करेंगे और वो पूरा आकलन करेंगे कि कंसोलिडेटेड फंड से इतना पैसा निकालना है. देन ही विल हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ द अप्रोप्रिएशन बिल. थर्ड डिपार्टमेंट इज कॉल्ड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, राजस्व विभाग. तो राजस्व में क्या होगा? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स. अकॉर्डिंगली देर विल बी टू बॉडीज इनसाइड देम. एक तो होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT और दूसरा होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम CBIC. ओरिजिनल नाम इनका था सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम CBEC, बट 2018 बजट में चेंज करके CBIC कर दिया बिकॉज ऑफ द GST जो हम कल पढ़ने वाले हैं. सो थ्री डिपार्टमेंट्स, ओके, अंडरस्टूड. उसके अलावा दो छोटे डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि फर्स्ट पिलर में हमने बहुत बार देखा है, बैंक बोर्ड ब्यूरो के साथ जुड़ा हुआ है. पब्लिक सेक्टर बैंक का रिकैपिटलाइजेशन करने की बात करो, पब्लिक सेक्टर के दूसरे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज उसके भी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स हो, चाहे नाबार्ड, LIC वगैरह, सम एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स ऑनवर्ड, तो वो कौन देखेगा? ये लोग. एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम जो हमने देखा था, ये अटल पेंशन योजना एंड सो मेनी अदर थिंग्स, तो फाइनेंशियल सर्विसेज वाले देखते हैं. देन लास्ट डिपार्टमेंट इज कॉल्ड DIPAM. DIPAM इज डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, DIPAM. एंड दे लुक आफ्टर द डिसइन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? फ्रॉम दिस सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेस लाइक सेल एंड ONGC, एंड वहां से अगर गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू सेल देयर शेयर्स तो वो काम को बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट. दे लुक आफ्टर दैट. अभी हर एक डिपार्टमेंट उसका अपना एक सेक्रेटरी होता है, सो दैट इज कॉल्ड सेक्रेटरी, जो कि यूजुअली ही इज एन IAS ऑफिसर. और वो पांच सेक्रेटरी में से जो सबसे सीनियर मोस्ट होगा उसको डेजिग्नेट किया जाएगा एज फाइनेंस सेक्रेटरी. और फाइनेंस सेक्रेटरी बन गए तो क्या लाभ है? देन दैट जेंटलमैन कैन साइन द 1 rupee note. सो दैट इज फाइनेंस सेक्रेटरी. Now, who is the present finance secretary? Well, not important for UPSC, क्योंकि वो थोड़े थोड़े समय पे they could get retired and replaced. So, UPSC usually ऐसे प्रश्न नहीं पूछती है कि who is the present this, who is the present that. वो lower exam staff selection वगैरह में पूछते हैं. So, for our exam, we need not bother with that thing. Now, these things I have given on page 98. Simply, you update the things. Department of क्या? Economic Affairs, Budget, Small Saving and Chief Economic Advisor इधर बैठते हैं. डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर उसमें कुछ लिखना नहीं. डिपार्टमेंट ऑफ ये वाला राजस्व रेवेन्यू वो ओके. देन डिपार्टमेंट ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल सर्विसेज, जो ये काम करते हैं. सो फाइव डिपार्टमेंट्स एंड देयर एसोसिएटेड फंक्शंस. यस, यू हैव टू मेमोराइज देम. उसमें घूम फिर के दे आर डिजाइनिंग सम MCQs इन UPSC, सो वी हैव टू प्रिपेयर. सरोज, रूपेश एंड अदर्स, यू हैव डन इट नाइस. क्लास के बाद भी मैं पावर पॉइंट अपलोड करूंगा, तो रह जाए तो चिंता मत करना. वन इजी क्वेश्चन वॉज आस्क फ्रॉम दिस, आई विल गिव यू 1 minute. इन 2015 प्रीलिम पूछा गया था. को लगता है बी होना चाहिए, सम 80% थिंक दैट सी शुड बी द आंसर. कुछ को लगता है ए होना चाहिए, सम पीपल थिंक डी शुड बी द आंसर. 55, 8, 59 एंड 1 minute इज ओवर. लेट अस सॉल्व दिस थिंग. प्रीलिम 2015 का सवाल. मैंने आपको पहले भी बोला, व्हेनेवर देयर आर मल्टीपल स्टेटमेंट्स डायरेक्टिव वर्ड पे हमने सर्कल कर देना चाहिए. सो करेक्ट स्टेटमेंट इज आस्क्ड. अभी फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट एंड प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट. नहीं, इट इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो कि बजट भी प्रिपेयर करता है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी उधर बैठता है, स्मॉल सेविंग स्कीम के रेट भी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर डिसाइड करता है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो अकॉर्डिंगली ये जहाँ जहाँ मुझे दिखे ND, आई विल एलिमिनेट, तो बचता क्या है? 50-50. अभी दोनों ही जगह पर देखो, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है? नो अमाउंट कैन बी विदड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड विदाउट द पार्लियामेंट ऑथोराइजेशन. वो तो इतने टाइम से हम लोग सुनी रहे. सो देन अल्टीमेटली थर्ड स्टेटमेंट क्या है? ऑल डिस्पर्समेंट
made from public account also need authorization from parliament? The answer is no, that is not required, right? So third statement is wrong, first statement is wrong, and you were asked to find correct statement. So jawab kya hoga? Answer is C, two only is the answer. Public account ke andar se jo disbursal authorization not required for parliament all the time. Selected cases it may be required, but all disbursement to wo to nahi hai. Suppose aapko aisa pucha gaya hota find incorrect statement, to jawab kya hota? Incorrect statement kaun kaun se hain? 1 and 3. So in that case wo kuch alag jawab ho jata, but anyways here it is not relevant. But jab bhi aisa kuch pucha jaye to wrong kaun se hain, right kaun se, wo directive word ko aap circle karke fir aap approach karo. Moving further, first union budget in independent India was presented by R.K. Shanmukham Chetty on this date. Maximum 10 budgets have been presented by Morarji Desai. P. Chidambaram is the second highest number ki 8 budget present kiye the. Ye sab kuch kaam ka nahi. This is KBC kaun banega crorepati type of GK. UPSC aisa puchti nahi hai. In rarest of rare case agar puch bhi le to uska cost benefit bahut kam ho jayega, because then you have to prepare so many things ki kaun sa pala first tha har ek case mein. So forget about it, simply we will enter budget ka revenue part, uske andar receipt matlab incoming money jo government ko milta hai, aur uska bhi sub part tax. So we will move towards the taxation. Tax ke andar ek wali cheez hoti hai, income tax. Now suppose government says that you have to pay income tax on your income, bolte hain 5%, 20%, 30% income tax depending on ki aap kitne maldar ho, how rich you are. So the person jiski income hai उसने डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स पे करना है. तो टैक्स इंसिडेंस मतलब कि वो पॉइंट जहां से टैक्स कलेक्ट करके सरकार में जाता है, दैट इज कॉल्ड टैक्स इंसिडेंस. तो यहां पर वो किधर है? इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर है, इंडिविजुअल एसएससी जिसे बोलते हैं, ही हैज टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट. उसका बोझ किस पे पड़ता है? हु विल फील द अल्टीमेट इफेक्ट ऑफ दिस टैक्स? ये इनकम टैक्स भर के इसने तो दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, इसका बोझ किसको लगा अपने सर पे? So the point at which the tax burden is really felt, उसको बोलते हैं tax impact. Impact किसके ऊपर है? Again individual assessee के ऊपर है. आप ऐसे भी visualize कर सकते हैं कि यही आदमी सबसे ज्यादा हाई हाई करता होगा कि मेरा पैसा चला गया, someone tell me how to save this much tax. वो Google पे search करेगा, he will approach the chartered accountant. So direct tax के अंदर चीज ये होती है कि incidence मतलब जहां से collect होता है, मतलब ये वाला आदमी, and the impact both are same. So then we say ki he is the direct tax wali ye cheez hai. Income tax is one type of direct tax. In this case he cannot shift the burden to another person. Wo ye nahi bolta ki ye main niche se kisi se paisa leke aunga. Of course in real life suppose you are a shopkeeper, you are making profit and ultimately you have to pay some income tax. To aapne jo munafa kamaya to ultimately customer se liya hi hai. But when we are saying income tax, to aapne wo khud se diya hai, that is income tax. Opposite to that, look at this thing. Suppose ये कार शोरूम ओनर है एंड ही इज सेलिंग दिस लग्जरी कार्स एंड गवर्नमेंट सेज दैट इसके सेल के ऊपर 28% जीएसटी चाहिए एंड आउट ऑफ दैट 14% शुड गो टू यूनियन गवर्नमेंट एज सेंट्रल जीएसटी. वो क्या है कल पढ़ेंगे. एंड अदर 14% इज गो टू स्टेट्स एज एसजीएसटी. सो दिस जेंटलमैन ही विल सबमिट, गो टू ऑनलाइन जीएसटीएन पोर्टल और वहां पर पैसा डिपोजिट करेगा. सो इंसिडेंस इज ऑन दिस कार शोरूम ओनर. इंसिडेंस मतलब जहां से पैसा वो कलेक्ट होता है. तो दिस जेंटलमैन कार डीलर ही कलेक्ट्स एंड पेस टू द गवर्नमेंट. बट क्या उसी के ऊपर वो पूरा बर्डन आता है? द आंसर इज नो. टैक्स इंपैक्ट मतलब कि असल में उसका रियल बर्डन किस पे दिखता है? द इंडिविजुअल कंज्यूमर, बिकॉज अल्टीमेटली ही हैज टू पे द कार प्राइस प्लस जीएसटी जो कि ये सेलर के पास जाएगा और फिर वहां से वो सरकार में देगा. जो कार बायर है वो खुद से 28% काउंट करके गवर्नमेंट को चेक नहीं भेजेगा, राइट? So that is not like that. So indirect tax आप जब बोलते हैं, for example GST, value added tax, sale tax and many other things, वहां पर incidence वो एक जगह पर होता है, impact कहीं और होता है. So that is indirect taxes. The incidence and impact will not fall on the same entity. So when we look at the notable direct and indirect taxes of the union, direct tax कौन से बोल सकते हो? Corporate, union government के direct tax में एक तो होता है corporation tax, company के मुनाफे पर, profit पे. इनकम टैक्स ऑन इंडिविजुअल, उनके इनकम प्रॉफिट के ऊपर वो लगेगा, एंड अ फ्यू अदर्स जो अभी आगे स्लाइड में देखेंगे. उसके विपरीत इनडायरेक्ट टैक्सेस वो कौन कौन से हैं? कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेट्रोल डीजल एंड सिलेक्टेड आइटम्स, उसके अलावा जीएसटी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, सो मेनी थिंग्स,
सिवाय कि ये पेट्रोल डीजल एंड सिलेक्टेड अदर थिंग्स। ये डबल स्टार का इधर क्या मतलब है वो कल हम जीएसटी आराम से पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, बट फॉर द टेम्पररी टाइम बीइंग इतना याद रखो कि दिस कस्टम एक्साइज जीएसटी दिस आर टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, एक जगह कोई कलेक्ट करेगा और फिर उधर जाएगा, डायरेक्टली वी आर नॉट पेइंग एज अ कंज्यूमर। नाउ सपोज गवर्नमेंट सेज दैट ये बाइसिकल ऑन दैट वी रिक्वायर 12% जीएसटी, सो सपोज ये 5000 रुपीज की बाइसिकल है, हाउ मच जीएसटी? 600 जीएसटी उस पर होगा और वो सरकार आपसे मतलब थ्रू शॉपकीपर दे विल कलेक्ट फ्रॉम यू। नाउ सपोज देयर इज दिस पुअर मैन जिसका मंथली इनकम है 9000 रुपीज एंड ही इज परचेजिंग अ बाइसिकल, तो उसमें से 600 रुपीज तो चला गया, 8400 रहा ऑफकोर्स, उसमें से भी ये बाइसिकल का पैसा तो चला गया होगा, बट हाउ मच ऑफ हिज इनकम इज गोन इन टू टैक्स? तो आप देख सकते हैं 600 इतना बड़ा चला गया। उसके सामने एक मिडिल क्लास फैमिली जिसकी मंथली इनकम सोचो 15000 रुपीज है, उसने भी सेम साइकिल परचेज की तो उसका पैसा चला गया, बट आउट ऑफ हिज इनकम कितना प्रपोर्शन? थोड़ा स्मॉलर प्रपोर्शन। उससे भी ऊपर आप देखो रिच पर्सन, सपोज देर इज अ गाय उसकी 15 लाख पर मंथ इनकम है, ऑफकोर्स मुकेश अंबानी ने उसकी तो उससे भी ज्यादा होगी, बट सपोज ऐसा कोई आदमी है तो उसके तो बहुत छोटा हिस्सा 600 रुपीज दिखेगा उसे जो कि साइकिल परचेज में चला गया। सो व्हेन यू लुक एट प्रपोर्शन तो आपको पता चलेगा कि लार्जर पोर्शन ऑफ ए पुअर मैन्स इनकम इज गोइंग इनटू दिस टाइप ऑफ टैक्सेस, कौन से? ये जीएसटी और ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस में। सो देयरफॉर व्हेन समथिंग हैपेंस दे आर सेइंग इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव इन नेचर, व्हाई? क्योंकि गरीब आदमी की इनकम का ज्यादा हिस्सा वो खा जाते हैं। सो यस द इनडायरेक्ट टैक्सेस दे आर कॉल्ड रिग्रेसिव इन नेचर। व्हाट अबाउट इनकम टैक्स? इनकम टैक्स में ये पुअर पर्सन उसको तो कुछ इनकम टैक्स नहीं पे करना, तो 100% ऑफ हिज इनकम विल स्टे विद हिमसेल्फ। सपोज कोई मिडिल क्लास फैमिली उसमें 5% स्लैब बोला होगा तो उतना 5% ही जाएगा, 90% विल स्टे विद हिम। सपोज कोई बहुत बड़ी पार्टी है 10 लाख या ऊपर उसकी टैक्सेबल इनकम है, देन 30% गवर्नमेंट विल डिमांड और बाकी का उसके पास रहेगा। सो देन इफ यू लुक एट दिस थिंग तो उसका पिरामिड कुछ अलग से बनेगा, मतलब कि अमीर आदमी रिच पीपल उसकी इनकम का ज्यादा पोर्शन लाइक दिस चला जाएगा इन द इनकम टैक्स। सो लार्जर पोर्शन ऑफ दिस रिच मेंस इनकम इज गोइंग इन टू टैक्स, तो ऐसा ही कौन सा टैक्स है? इनकम टैक्स। तो वी विल से इनकम टैक्स एंड अदर डायरेक्ट टैक्सेस दे आर प्रोग्रेसिव इन नेचर, मतलब वो अमीर आदमी पे उसका बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू पुअर पर्सन, एंड देन गवर्नमेंट कैन यूज दिस पर्टिकुलर मनी फॉर पीएम किसान योजना और वो फार्मर को 6000 रुपए दे देगा, लाइक दैट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, वी विल रिड्यूस द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, वो सब कर सकते हैं। सो यस इनकम टैक्सेस एंड अदर सिमिलर डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं हम बोल सकते हैं दे आर प्रोग्रेसिव इन नेचर। नाउ व्हाट अबाउट प्रोपोर्शनल टैक्स? प्रोपोर्शनल टैक्स में ये बोल दिया जाए सपोज हर एक की इनकम के ऊपर वी विल चार्ज 10% इनकम टैक्स, तो पुअर आदमी उसकी इनकम पे भी 10% चला जाए, मध्यम वर्ग का भी 10% चला जाए, रिच पर्सन का भी 10% चला जाए, तो ऐसी चीज को आप क्या बोलोगे? ऑब्जर्व कि हर एक का इक्वल पोर्शन उसकी इनकम का जा रहा है, सो देन यू विल से कि प्रोपोर्शनल टैक्स है, बट प्रोपोर्शनल टैक्स कैन ओनली बी इन हाइपोथेटिकल सेंस ओनली। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा कोई टैक्स कर दिया इनकम टैक्स ओनली 10% हर एक के ऊपर, देन इन क्वांटिटेटिव टर्म्स ये मुकेश अंबानी जो अभी 30% इनकम टैक्स भरते होंगे उसके हिसाब से तो वो कम ही भरना पड़ेगा इन सच प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम इन एब्सोल्यूट टर्म्स, राइट, कंपेयर टू द प्रीवियस 30% वाला रिजीम। सो अल्टीमेटली गवर्नमेंट विल नॉट गेट सफिशियंट रूपीज टू रन देयर वेलफेयर स्कीम, तो ये ऐसी बात की प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स होना चाहिए दैट विल बिकम इम्प्रैक्टिकेबल। सो ऑलवेज रिच पीपल के ऊपर डायरेक्ट टैक्स ज्यादा होना चाहिए एंड दे आर कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्स। अभी टैक्स इलास्टिसिटी क्या है, टैक्स बायंसी क्या है, लाफेयर कर्व, टैक्स टू जीडीपी, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, बट दैट इज ब्लैक मनी। अभी के लिए हम एक स्केलेटन तैयार कर रहे हैं। नाउ एन इजी क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन सीडीएस 2015। 1 minute इज ऑल्दो मोर देन सफिशियंट, बट आई विल गिव यू 1 minute।
2% ऑफ द पीपल आर फीलिंग ए शुड बी द आंसर, 96 बोलते हैं बी शुड बी द आंसर, 1% सी, 1% डी. क्या है भाई प्रोग्रेसिव टैक्स? मतलब क्या है, यू विजुलाइज सिंपली द इनकम टैक्स. और मुकेश अंबानी को याद करो एंड मिडिल क्लास, 5% 30% टैक्स रेट इंक्रीजेस एज योर इनकम इंक्रीजेस, सो दैट इज प्रोग्रेसिव टैक्स. बाकी वाले ऑप्शन दे आर नॉट करेक्ट इन दिस केस. नाउ व्हाट इज टैक्स सेस और सरचार्ज का अंतर क्या होता है? We have learned that there is a thing called public account and there is a thing called consolidated fund. Union government is taking variety of direct and indirect taxes. ये सभी taxes they go to consolidated fund और वहां से पैसा फिर थोड़ा share हो जाएगा with state governments based on finance commission क्या formula देता है. For example, 14th finance commission that we'll study next week. उन्होंने बोला है कि यूनियन गवर्नमेंट को जो माल मिला है उसका 42% ऑफ दैट शुड गो टू द स्टेट्स, तो वो हर एक स्टेट को उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली कुछ बांटेगा. सो यस, व्हेन यू सी टैक्स इट गोज टू कंसोलिडेटेड फंड एंड शेयर्ड विद द स्टेट्स एज पर द फॉर्मूला गिवन बाय द फाइनेंस कमीशन एक्सेप्ट फॉर द थिंग कॉल्ड आईजीएसटी. आईजीएसटी में क्या होगा, आईजीएसटी विल ऑल्सो गो टू कंसोलिडेटेड फंड ओनली, वो भी एक टैक्स ही है तो कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा और उसमें से स्टेट्स को भी हिस्सा मिलेगा, बट दैट विल नॉट बी ऑन फाइनेंस कमीशन का फॉर्मूला, दैट विल बी ऑन जीएसटी काउंसिल्स फॉर्मूला. नाउ व्हाट इज दिस आईजीएसटी एंड व्हाट इज दिस जीएसटी काउंसिल, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने ही वाले हैं, सो डोंट फील ओवरस्ट्रेस्ड एंड ओवरवेल्म अबाउट दिस, बट अभी के लिए इतना याद रखो ओके इट विल हैपन लाइक दिस. नेक्स्ट इज व्हाट इज सरचार्ज. सरचार्ज मीन्स अ टैक्स ऑन टैक्स. सो सपोज देयर इज अ करोड़पति पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे 50,000 रुपीज एज इनकम टैक्स and government says that you have to pay 10% surcharge on it. तो उसका मतलब क्या है, वो जो 50,000 रुपीज उसको इनकम टैक्स भरना है उसके ऊपर एडिशनल 10% और भरना है, मतलब 5,000 और ऊपर, मतलब टोटल 55,000 he will have to pay. Now what will happen? ये जो टैक्स लिया टैक्स का पैसा that will be shared with government, state governments as per finance commission formula. But ये जो surcharge लिया tax on tax that will go to consolidated fund, but वो union government अपने पास रखेगी, they will spend it as per their wish. उसका कोई motive वो specify नहीं करेंगे that we are taking this surcharge for this particular reason only. By and large surcharge का कोई motive specify नहीं करते. But in budget 2018 उन्होंने एक नई चीज introduce की, बोला 10% social welfare surcharge on the custom duty of imported items. आप कोई चीज इंपोर्ट करोगे उस पर लगेगा कस्टम ड्यूटी और उसके ऊपर जितना कस्टम ड्यूटी लगा है सपोज 100 रुपए, उसके ऊपर एडिशनल 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज, मतलब 110 रुपए आपने देने. सो आउट ऑफ दैट ऑफ कोर्स टैक्स वाला पोर्शन सम ऑफ दैट विल गो टू स्टेट गवर्नमेंट, बट सरचार्ज वाला पोर्शन इट विल गो टू यूनियन गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट कैन स्पेंड एज पर देयर विश. बट यहां तो ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई किया सोशल वेलफेयर सरचार्ज, सो दे विल यूज इट फॉर फाइनेंसिंग ऑफ द सोशल वेलफेयर स्कीम्स लाइक वेरियस जो जो योजनाएं चलती है, याद करो वो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, वो विधवा पेंशन एंड बुजुर्गों को पेंशन, एंड ऑफ कोर्स वहां से कुछ स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसा तो जाएगा अल्टीमेटली फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स, बट इट विल नॉट बी बेस्ड ऑन द फाइनेंस कमीशन वाला फॉर्मूला कि 42% मस्ट गो टू द स्टेट. देन वॉट इज सेस? सेस यानी कि उपकर. इट इज कैलकुलेटेड ऑन टैक्स प्लस सरचार्ज अगर कुछ लगता है तो, या फिर वो पूरा आप समेशन करो और उसके ऊपर सेस काउंट करो. सपोज एक करोड़पति आदमी को बोला गया यू हैव टू पे 50,000 रुपीज एज इनकम टैक्स और उसके ऊपर 10% के हिसाब से 5,000 रुपीज एज सरचार्ज, और फिर सरकार बोलती है अभी और हमारी बुक मिटी नहीं है, यू एडिशनली पे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो फिर आप 4% किसका गिनोगे? 50,000 टैक्स प्लस 5,000 सरचार्ज, ब्रैकेट बनाए उसके बाद 4% काउंट करो कितना मिलेगा, सम 2,200 रुपीज, तो उसे क्या बोलेंगे? उपकर, सेस अमाउंट. Now originally it will go to consolidated fund, but वहां से फिर वो transfer होके जाएगा in particular public account. अलग अलग उद्देश्य से अलग अलग public account बनाएंगे. For example, there could be a road fund कि जहां से road update करने के लिए, upgrade करने के लिए पैसा use करेंगे. There could be a प्रारंभिक शिक्षा कोर्स की जहां से सर्व शिक्षा अभियान और educational scheme finance करने के लिए पैसा भेजेंगे. There could be a national disaster fund जहां से disaster management का पैसा देंगे. Yeah. So like that it will go to a particular fund that will be part of public account.
और फिर वहां से वो कोई स्पेसिफिक स्कीम में जाएगा, सर्व शिक्षा अभियान देख लो, या प्रधानमंत्री जनधन जन आरोग्य योजना देख लो, एंड अदर वेरियस फंड्स दैट आर मेड इन पब्लिक अकाउंट। और फिर वहां से वो पैसा इट विल गो टू स्टेट गवर्नमेंट्स, बट इट विल नॉट बी द 14 फाइनेंस कमीशन वाला फॉर्मूला दैट 42% मस्ट गो, नो इट विल नॉट बी लाइक दैट। सो यस, सेस अमाउंट इट विल गो टू पब्लिक अकाउंट और फिर वहां से जा सकता है। जो ओरिजिनल टैक्स अमाउंट था 50,000 रुपीज इनकम टैक्स, उसका तो एक्स परसेंट ऑफ अमाउंट वो तो जाएगा स्टेट को एज पर द फाइनेंस कमीशन फॉर्मूला, बट सेस विल नॉट गो एज पर द फाइनेंस कमीशन फॉर्मूला। और ये उसके ऊपर जो 5,000 रुपीज हमने बोला सरचार्ज ऑन द 50,000 वाला अमाउंट, वो 5,000 रुपीज सरचार्ज इट विल बी विद द यूनियन गवर्नमेंट। वहां पर कोई फाइनेंस कमीशन का फॉर्मूला बोल के स्टेट के साथ शेयर नहीं करेंगे, बट ऑफकोर्स अल्टीमेटली मनी विल गो टू स्टेट फॉर सम स्कीम इम्प्लीमेंटेशन। सो दिस इज सेस, सरचार्ज एंड टैक्स। नाउ दिस थिंग्स आई हैव गिवन ऑन पेज 106। क्या लिखना है आपने? एनी यूनियन टैक्स वो जाएगा किधर? इट विल गो टू कंसोलिडेटेड फंड, और वो पैसा शेयर हो जाएगा एज पर फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन, ऑफकोर्स वो IGST में GST काउंसिल वो मैंने मेंशन किया। सेकंड इज कॉल्ड सरचार्ज अधिभार, वो क्या होता है वो तो उसमें डिस्क्राइब है। एंड लास्ट थिंग इज कॉल्ड सेस, यानी कि उपकर। नाउ बाय डिफॉल्ट सेस की अमाउंट वो फाइनेंस कमीशन और वो तो डिसाइड नहीं करेंगे, बट देर इज अ थिंग कॉल्ड GST कंपेंसेशन सेस, वो कल हम लोग पढ़ने वाले हैं। वो पैसा स्टेट्स के साथ शेयर करेंगे, बट वो कौन फॉर्मूला बनाएगा? नॉट द फाइनेंस कमीशन, GST काउंसिल। तो ये वाली एक चीज ऐड कर दो। ऑफ कोर्स वी विल स्टडी पीसफुली GST काउंसिल और GST कंपेंसेशन सेस एंड एवरीथिंग इन टुमारोस लेक्चर। सरचार्ज मनी विल ऑल्सो गो टू द कंसोलिडेटेड फंड ओनली, बट फ्रॉम देयर यूनियन गवर्नमेंट इज नॉट बाउंड टू शेयर इट विद स्टेट्स एज पर फाइनेंस कमीशन का फॉर्मूला, वो अपनी मर्जी से करेंगे उसे। ओके, 10 मोर सेकंड्स आई विल गिव, आप इसको फिनिश करिए, देन वी विल मूव फर्दर। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड। अगर कंप्लीट नहीं हुआ डोंट वरी, आई विल अपलोड द पावर पॉइंट आफ्टरवर्ड्स। या सो वी आर लर्निंग अबाउट द बजट, उसका रेवेन्यू पार्ट, उसका रिसीव पार्ट, और उसके अंदर हम देख रहे हैं टैक्स। टैक्स के अंदर बेसिक डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट हमने कुछ देखा। नाउ विद इन डायरेक्ट टैक्स हम लोग देखते हैं व्हाट इज कॉरपोरेशन टैक्स। कॉरपोरेशन टैक्स यानी कि निगम कर किस पे लगता है? तो कंपनी के प्रॉफिट पे लगता है। नाउ हाउ मच इज चार्ज, दैट डिपेंड्स। इफ इट इज एन इंडियन कंपनी जिसका टर्नओवर 250 करोड़ तक है तो 25% लगेगा। इफ इंडियन कंपनी जिसका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है तो 30% लगेगा। इफ इट इज अ फॉरेन कंपनी ऑपरेटिंग मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ इंडिया तो उस पर कितना लगेगा? 40%। नाउ व्हाट इज द टर्नओवर, उसकी क्या फॉर्मूला होती है? नॉट इंपॉर्टेंट, वी आर नॉट फॉर सी एग्जाम। सिंपली रिमेंबर दैट कॉर्पोरेशन टैक्स के क्या स्लैब है, 25, 30, 40, मतलब वन टैक्स नहीं है, अलग अलग है, डिपेंड्स ऑन द कंपनी। एडिशनली ये जितना टैक्स उसमें भरना है, एडिशनली एक्स परसेंट सरचार्ज भी होगा उसके ऊपर ऑन द पर्टिकुलर टैक्स अमाउंट। सपोज 50,000 भरना है तो प्लस उसके इतने परसेंट ऑन सरचार्ज बोल के एडिशनल पैसा भी उन्होंने देना होगा। नाउ हाउ मच एक्स परसेंट सरचार्ज भरना होगा, दैट डिपेंड्स ऑन कंपनी टर्नओवर, और वो कितना हमको जानने की जरूरत नहीं है। एडिशनली गवर्नमेंट विल से दैट 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगेगा, मतलब कॉरपोरेशन टैक्स की जो अमाउंट है प्लस उसके ऊपर लगने वाला सरचार्ज की अमाउंट, और दोनों के ऊपर ब्रैकेट बना के बाले को 4% और जो अमाउंट निकल गया दैट इज सेस, वो भी एडिशनली पे करना होगा। तो इतना सारा पैसा उन्होंने गवर्नमेंट में पे करना होगा। नाउ व्हाट हैपेंड इन द इंटरिम बजट 2019। बजट ऑब्जर्व दैट ये रियल एस्टेट सेक्टर में कुछ दिक्कतें हैं। देर आर अनसोल्ड इन्वेंटरीज, मतलब बिल्डिंग प्रॉपर्टी बना तो दिया बट पीपल आर नॉट बाइंग। सो दे गिव सर्टेन टैक्स बेनिफिट्स टू द रियल एस्टेट कंपनीज ऑन देयर कंप्यूटेशन। अब वो एग्जैक्ट प्रोविजन क्या है, वी आर नॉट हियर फॉर सी एग्जाम, तो काम करने, बट यस सम बेनिफिट्स वेर गिवन टू देम। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनीज एंड देयर प्रॉफिट, तो एक चीज आएगी बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, मतलब विदेशी कंपनियां भारत से प्रॉफिट कहीं और शिफ्ट कर देंगी और टैक्स नहीं भरेंगी। देन देर इज अ फटका एक्ट, देन देर इज अ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, देन देर इज अ
GAR, राउंड ट्रिपिंग क्या है, एंजल टैक्स क्या है, टैक्स इवेजन अवॉइडेंस, टैक्स टेररिज्म, डायरेक्ट टैक्स की अरविंद मोदी कोई कमेटी बनी थी, लाफेर कव, टैक्स बैलेंसिंग, वो सारी चीजें, ब्लैक मनी, शेल फर्म्स, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, डिमोनेटाइजेशन, दोज आर ऑल एसोसिएटेड टॉपिक्स, बट दैट वी विल स्टडी सेपरेटली विद इन द सेम पिलर बट इन अ सेपरेट लेक्चर नेक्स्ट वीक, ब्लैक मनी में। तो अभी के लिए तो ये सब हम लोग करेंगे भविष्य में, तो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग्स। अभी के लिए बस इतना लिख दो अपने हैंडआउट में, निगम कर क्या है, 25, 30, 40 और उसके ऊपर भी सेस तो लगता है कितना, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इसमें एमसीक्यू दे फ्रॉम सिंपल लाइक द कॉर्पोरेशन टैक्स स्लैब्स आर लाइक 5, 20 and 30, वो तो भाई इनकम टैक्स के स्लैब है, या फिर कि ऑल द इंडियन कंपनीज हैव टू पे 25% कॉर्पोरेशन टैक्स, नो दैट इज रॉन्ग। सो अकॉर्डिंगली सिंपल एमसीक्यूज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से वो फ्रेम करेंगे एंड दे आर इजी, सो प्लीज इतना तो याद रखना है हमने। ऑन पेज 101 यू अपडेट दिस थिंग। Okay, so let us move forward now. Observe this web page of Indian Express. ये ऊपर कुछ देखता है advertisement block, ये साइड में कुछ दिखता है advertisement block, ये इधर है advertisement block. So suppose there is a businessman जिसको ये सब advertisement block book करने हैं, उसके लिए बीच में एक agent होता है middleman, company का नाम है Google और उसका सब component है AdSense. So it is like a digital advertisement company. So this particular businessman, they will give money to them, और फिर वो हर एक ऐसी वेबसाइट के ऊपर जाके ऐसा एड डिस्प्ले करेंगे, that is Google AdSense. So suppose this is an Indian businessman who wants to book digital advertisement through Google AdSense. ऐसी और भी कंपनियां हैं, in Facebook also they have advertisement, तो Facebook की कंपनी होगी। So then what is the problem? Problem is this. हमने पढ़ा कि foreign company they have to pay 40% corporation tax on their profits from India. तो अभी गूगल की इंडिया रजिस्टर्ड कंपनी इधर होगी, किधर, बेंगलुरु में। सो दिस बिजनेसमैन विल पे मनी टू दिस पर्टिकुलर कंपनी एंड फ्रॉम देयर दे विल सेंड द मनी वेयर, वो उसके जहां पर भी सर्वर सिंगापुर और वट एवर जहां पर भी कंपनी के उन्होंने सब्सिडियरीज बनाए होंगे। सो देन उसके ऊपर प्रॉफिट तो हुआ, गूगल एडसेंस इज मेकिंग प्रॉफिट एंड दे शुड बी पेइंग 40% टैक्स ऑन दिस थिंग, बट दे वेर नॉट पेइंग द टैक्स। वो ये बोलते थे कि हमारा ये पूरा बिजनेस इट इज डन ऑन ग्लोबल सर्वर, वी आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम इंडिया। ये तो हम दिखाते हैं CNN की वेबसाइट पे, दैट इज इन अमेरिका, सो हाउ कैन यू से इंडिया में से प्रॉफिट हुआ, एंड एक्स वाई जेड वो बहाने बनाते रहते थे। एंड समटाइम्स दे विल से हमने वी हैव सेटअप दिस कंपनी इन मॉरिशियस और केमैन आइलैंड, जिसके साथ इंडिया का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट है, सो वी विल नॉट पे एनी टैक्स बिकॉज इट इज प्रोटेक्टेड अंडर सच इम्यूनिटी अग्रीमेंट्स। अफकोर्स वॉट इज DTA वो ब्लैक मनी के साथ आराम से पढ़ेंगे। So this was the problem. Yes, a digital advertisement company, foreign digital advertisement company, they are not paying taxes in India. So then how can government do something about this? In 2016 budget, government ne bola ki additional 6% equalization levy. Use common jargon mein bolte hain Google tax bol diya, but yeah, technical naam tha equalization levy. To ye jo kama rahe uska 6% unhone aise pay karna hoga as equalization levy to the government of India. Now as such income tax act 1961, उसके अंदर प्रावधान किए गए हैं income tax will be like this, corporation tax will be like this, but ये जो चीज है equalization levy वो income tax act के अंदर नहीं लिखी, they separately made an entire new thing in finance bill 2016. तो by default हम बोलते हैं windows 10 से update किया calendar app and this whatever app, separately they did introduce this thing, but it was not part of the Income Tax Act 1961. उसको update करके ये उसमें डाला, ऐसा नहीं है। And then foreign companies को ये बोला गया, you cannot dodge it. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई double taxation avoidance agreement है Mauritius में और Cayman Island में और हमारी company उधर है, so we will not pay taxes. No, you will have to pay 6% tax on this type of digital advertisement that you are doing from Indian businessmen. So that was equalization levy. और वो कब हुआ, इन द बजट 2016। नाउ इन 2018 प्रीलिम्स तब जाके यूपीएससी ने ये प्रश्न पूछा, आई गिव यू 1 मिनट।
रूपाली पाटिल, जीएसटी टुमारो वी आर लर्निंग, तो अभी तो उसके मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। Some people are saying skip, that is also a good strategy, right? Now what is the answer? देखो ये equalization levy 6% बोला, it is introduced as part of income tax, the answer is no, it is separately introduced. Non-resident entities can claim tax credit in their country by saying this is double taxation, वो भी नहीं, so answer will be D, neither one nor two. अभी ये ऐसा प्रश्न है, सी दिस थिंग हैपेंड इन 2016 और प्रश्न पूछा गया 2018 और वो भी ऐसा इक्विलाइजेशन लेवल, इट इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक, वो तो कोई इतना उसे फॉलो नहीं करता लाइक वी फॉलो जीएसटी एंड सो मेनी अदर बिग डेवलपमेंट्स। सो इन रियल एग्जाम अगर ऐसा कुछ आ जाए, बेटर टू स्किप द क्वेश्चन इफ यू डोंट हैव आइडिया, बिकॉज इवन आफ्टर वी लर्न एवरीथिंग देयर विल बी सम रैंडम क्वेश्चंस लाइक दिस। हमेशा ये याद रखो, कट ऑफ इज नेवर 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स, और कुछ भी कर लो, देर विल बी सम 10-15 क्वेश्चंस ऑलवेज दैट वी हैव नेवर स्टडीड, सो वी हैव टू सिंपली स्किप देम। उसमें फिर 50-50 करके कुछ तुक्का बनाओ और वो सब की जरूरत है नहीं, बिकॉज वी अंटिल वी नो एग्जैक्ट थिंग्स तो वो कर नहीं सकते। ओके, सो दैट वॉज इक्विलाइजेशन लेवल। नाउ वॉट इज मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स? वी लर्न दैट कंपनियों को उनके प्रॉफिट पे 25%, 30%, 40% इनकम टैक्स, सॉरी कॉर्पोरेशन टैक्स दे हैव टू पे, बट देन सम कंपनी विल बिकम क्रिएटिव, वो डिडक्शन एग्जेम्पशन और वो सब यूज करके जीरो प्रॉफिट है हमारी कंपनी का ऐसा बोल देंगे, एंड देन जीरो प्रॉफिट, देन यू डोंट हैव टू पे एनी कॉर्पोरेशन टैक्स, 25, 30, 40 कुछ भी पे नहीं करना। तो ऐसी कंपनियों के लिए क्या किया जाए? इन 1987 राजीव गांधी ने एक मिनिमम कॉर्पोरेशन टैक्स लिखा है, 96 में चिदम्बरम ने बोला नहीं उसको हम बोलेंगे मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स कितना होता है? 18.5% ऑन बुक प्रॉफिट। अब ये बुक प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, नॉट इम्पॉर्टेंट, हम सी एग्जाम नहीं कर रहे। 2017 बजट में बोला कि इट इज नॉट पॉसिबल टू रिड्यूस और अबॉलिश मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, मतलब ये तो हम जारी ही रखेंगे। 2018 में बजट में बोला कि गिफ्ट सिटी, जो कि एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, वो क्या है हम लोग थर्ड पिलर में पढ़ेंगे, बट ये अगर वहां पर आपने कंपनी बनाई है देन you will not have to pay minimum alternative tax but rather alternative minimum tax of 9%, but wo bhi exact yaad nahi rakhna hai, but itna ki udhar kam pay karna hai, so ordinary company hai profit kar rahi hai so on profit they have to pay corporation tax, but some companies they are claiming ki we are zero profit companies, to uske upar ye cheez ho jayegi 18.5% book profit, wo kaise formula that is not important for us. Now what is dividend distribution tax? कंपनी के अंदर हमने पढ़ा था देर आर शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर के अंदर सपोज दिस इज एन इंडिविजुअल ऑर्डिनरी पर्सन जिसने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदे और वो पर्सनली ही इज डूइंग सम जॉब इन सम गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी, तो उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, यस दैट इज सेपरेट थिंग, राइट? सो दीज आर शेयर होल्डर्स, मिलकर उनका बनेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसका एक चेयरमैन होगा, अब चेयरमैन का भी सैलरी होगा, मुकेश अंबानी चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री, तो उसको जो सैलरी मिला तो इनकम टैक्स भरना है, वो तो अलग से भरना है, यस। देन कंपनी का कुछ एमडी सीईओ होगा, देन डू दे विल बी डूइंग सम जीओ प्लान्स और उसके ऊपर वो चीज करेंगे, अब ये उसके ऊपर जीएसटी और इनडायरेक्ट टैक्स लगेंगे, दैट इज करेक्ट। नाउ आउट ऑफ दिस एंटायर ऑपरेशन कंपनी को क्या होगा प्रॉफिट, प्रॉफिट पे क्या लगेगा कॉर्पोरेशन टैक्स 25, 30, 40% हमने देखा स्लैब है। नाउ कंपनी दे विल डिसाइड कि हमको जो प्रॉफिट हुआ है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे कि उसमें से कुछ पोर्शन दैट वी विल distribute among the shareholders as dividend और बाकी का पैसा we will reinvest in expansion of the company। तो ये जो पैसा company dividend के रूप में अपने shareholders को pay करेगी उसके ऊपर लगने वाला tax that is called dividend distribution tax। Dividend distribution tax कितना है? That is some 15% plus उसके ऊपर surcharge plus cess करके amount जाएगी income tax department में। अभी ये बोलते हैं dividend distribution tax at source।
उसका मतलब ये है कि कंपनी जब डिविडेंड उन सबको भेजेगी उससे पहले इतना पोर्शन कट करके वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगी। ऐसा नहीं कि आदमी के हाथ में पैसा एंड देन ही विल गो एंड पे टू द डिपार्टमेंट, नहीं, उसका पहला पैसा कट करके कंपनी ने सबमिट कर दिया होगा। सो दैट इज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स सिंस 1997। देन यू मे वंडर कि ये इनडायरेक्ट टैक्स क्यों नहीं है, बिकॉज वो इंसिडेंस इधर देखता है और ये इधर दिखता है। उसकी पूरी चर्चा और 3-4 स्लाइड बना के कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली वी हैव टू रिमेंबर, सो सिंपली रिमेंबर भाई, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाते हैं तो क्या जाता है, इट इज डायरेक्ट टैक्स ओनली। या सो नाउ देर इज अ गेम प्लेड हियर। कुछ कंपनी जो ऐसा करती है, वी आर मेकिंग जीरो प्रॉफिट, तो उसके ऊपर शिकंजा बना के बोल दिया मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। सिमिलरली इधर सपोज मुकेश अंबानी इज दी मेजोरिटी शेयर होल्डर, सो ऑब्वियसली उसका ज्यादातर डिविडेंड तो मुकेश अंबानी के पास जाएगा। देन वॉट मुकेश अंबानी विल डू इज ही विल फॉर्म अ नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रस्ट या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, और अपने सारे शेयर्स वो उसको ट्रांसफर कर देगा ट्रस्ट में, सो दैट वो पैसा उधर। एंड देन प्रीवियसली ऐसा था कि अगर ट्रस्ट में डिविडेंड जा रहा है तो कोई उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं लगेगा, सो लाइक दैट दे वेर अवॉइडिंग द टैक्स पेमेंट। सो देन इन 2017 बजट उसके कुछ नॉर्म्स अपडेट किए गए ताकि ऐसे अगर सपोज शेयर होल्डर के रूप में कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रस्ट या कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बनाई है, बट अल्टीमेटली एज लॉन्ग एज डिविडेंड इज बीइंग पेड, तो वो तो काट के सरकार में जमा करना ही है। सो दिस इज सिमिलर कंसेप्ट लाइक गूगल इक्विलाइजेशन लेवल की, सरकार टैक्स का पैसा वसूलने के लिए दे आर ट्वीकिंग दी नॉर्म्स, हाउ एग्जैक्टली वेयर एग्जैक्टली वो काम का नहीं, बट यस समथिंग वॉज डन हियर, दैट मच वी हैव टू रिमेंबर सो दैट वी कैन एलिमिनेट सम एमसीक्यूज। म्यूचुअल फंड हमने पढ़े थे सेबी शेयर मार्केट लेक्चर में, जनता ने पैसा इन्वेस्ट किया, म्यूचुअल फंड मैनेजर उसके पास एक खोखा होगा, वहां से वो क्या करेगा, पैसा यूज करके शेयर एंड बॉन्ड परचेज करेगा, एंड उसमें से जो उसको इंटरेस्ट डिविडेंड मिला ही विल शेयर दैट थिंग विद द इन्वेस्टर्स। नाउ इन बजट 2018 गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व किया कि पीपल आर इन्वेस्टिंग सो मेनी लैक्स एंड करोड़ ऑफ रुपीज इन टू म्यूचुअल फंड, तो इसके ऊपर हमको टैक्स मिलना चाहिए। सो देयर सेड कि अगर कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है जो कि पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब कि इक्विटी टाइप का, एक्विटी टाइप का म्यूचुअल फंड, एंड देन दे आर गिविंग द रिटर्न बैक टू द यूनिट होल्डर्स, तो उसके ऊपर भी उसने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स और सरचार्ज और सेस सब काटना होगा और सरकार में जमा करना होगा। सो दैट वाज एडिशनल लेयर मेड देयर। नाउ अगेन व्हाई वेयर एंड हाउ वो काम का नहीं, बट यस म्यूचुअल फंड कंपनीज और उसके ऊपर से ये डिविडिटी जाता है, दैट मच वी हैव टू रिमेंबर फॉर द एमसीक्यू, सो यस वी हैव अंडरस्टूड दैट थिंग। So this dividend distribution tax, it is also one type of direct tax. और mutual fund में लगने वाला उस पर भी वो काट के लगते हैं, that is also direct tax. What is capital gains tax? Suppose I buy a house, तो वो मेरी एक capital asset बोल सकते हैं। Suppose I buy this house for 10 lakh rupees, and then after some years, X number of years, मैं इसको 2 लाख रुपए के profit के साथ, मतलब 12 लाख रुपए में किसी को बेच देता हूँ, दैट गाइज पेइंग मी 12 लाख रुपीज, तो मुझे प्रॉफिट हुआ कितना, 2 लाख रुपीज, सो दैट इज माई गेन्स या प्रॉफिट ऑन माई कैपिटल एसेट्स सेल, तो वो जो हुआ 2 लाख का प्रॉफिट, ऑन दैट प्रॉफिट आई हैव टू पे सम 10-20% टैक्स, जिसे आप बोलते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स, और वो उसके दो सब टाइप होते हैं डिपेंडिंग कि सपोज आई बाय दिस हाउस टेन सेल इट विद इन 1 month, तो उस पे लगेगा कुछ लगेगा, उसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। सपोज आई सेल इट आफ्टर 10 years, तो लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। अब वो एक्स नंबर ऑफ ईयर के हिसाब से डिसाइड होते हैं, वो एक्स नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, दैट वी डोंट हैव टू अंडरस्टैंड बिकॉज दैट इज फॉर सी एग्जाम। यस, सो अकॉर्डिंगली आपने कोई भी कैपिटल एसेट परचेज किया, ऐसा कुछ फैक्ट्री परचेज किया, हाउस परचेज किया, सो देन व्हेन यू आर सेलिंग इट एंड यू आर मेकिंग प्रॉफिट, इफ यू आर मेकिंग प्रॉफिट, तो उस पे ऊपर प्रॉफिट के ऊपर लगता है कैपिटल गेन्स टैक्स, पूंजीगत लाभ कर, और वो किसको जाता है, इट इज लेवाइड अंडर इनकम टैक्स एक्ट, डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स में जाएगा, तो वी विल से इट इज डायरेक्ट टैक्स। इन रियलिटी यहां पर भी वही चीज होगी, व्हेन दिस गाय इज पेइंग मी 12 लाख रुपीज, तो वो मुझे 12 लाख रुपीज पे नहीं करेगा, उसमें से जितना मुझे कैपिटल गेन्स टैक्स पे करना है, दैट मच ये बायर पेमेंट में से काट के खुद से ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके सबमिट कर देगा। सो अगेन यू विल स्टार्ट वंडरिंग कि ये वाली चीज व्हाई इट इज नॉट इनडायरेक्ट टैक्स, अगेन वो टैक्स इंसिडेंस और वो सब पे सोच सकते हैं, बट अल्टीमेटली वी हैव टू रिमेंबर, सो सिंपली रिमेंबर बाय कि सीजीटी इट इज लेवाइड एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, सो इट इज पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स। उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म ये है कि बायर हैज टू कट द अमाउंट एंड डिपॉजिट टू
आईटी डिपार्टमेंट एंड सो ऑन, बट इन थियरी डेफिनेशन के हिसाब से चले तो आपकी प्रॉफिट उसके ऊपर आपने ही जाके पे तो करना था. सो इन दैट हाइपोथेटिकल सेंस बोथ इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट इज ऑन यू ओनली. ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म बोला कि ये लोग पेमेंट से पहले ही काट के भर देंगे वगैरह, बट या प्लीज रिमेंबर इट इज अ डायरेक्ट टैक्स. सो वॉट एग्जैक्टली इज कैपिटल एसेट्स देन? एग्रीकल्चर के अलावा वाला कोई भी लैंड हो, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, पेंटिंग, व्हीकल, मशीनरी, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, शेयर्स, बॉन्ड्स, ये सारी चीज को बोलते हैं कैपिटल एसेट्स. इफ आई एम सेलिंग दैट, इफ आई एम मेकिंग प्रॉफिट ऑन दैट, देन आई एम सब्जेक्टेड टू कैपिटल गेन्स टैक्स. नाउ बिफोर 2018 बजट, अगर आपने इन्वेस्ट किया था कोई लिस्टेड कंपनी के शेयर्स में, लिस्टेड कंपनी क्या होती है, बीएससी एनएससी में टिकर जिनका चलता है वो लिस्टेड कंपनी हमने आगे पढ़ा था, या फिर आपने परचेज किया कोई म्यूचुअल फंड यूनिट, उसके ऊपर अगर आपने सेल किया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स ही लगता था. बट सपोज आपने 5 साल 10 साल बाद उसको सेल किया तो उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता था, उस पर कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता था इन दैट सेंस. बट देन बजट 2018 इट ऑब्जर्व कि लोगों ने बहुत सारा पैसा इसमें निवेश किया एंड वी शुड डिमांड मनी फ्रॉम दैट, इवन फॉर लॉन्ग टर्म जब वो बेचे तब भी उनको पैसा तो लेना चाहिए हमने. सो देयरफॉर इन 2018 बजट गवर्नमेंट अनाउंस दैट शेयर्स, म्यूचुअल फंड और ऐसी चीजों के अंदर भी जो प्रॉफिट मिला है, राइट, दे विल बी सब्जेक्टेड टू 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स. सपोज यू आर सेलिंग इट आफ्टर एक्स ईयर्स, तो शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म वाला लगता था, तो वो भी लगेगा तो सही, पहले नहीं लगता था बट अब से लगेगा. उसके अंदर एक मैकेनिज्म थी ग्रैंडफादरिंग फार्मूला एंड दैट क्लॉज इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट सिंपली एमसीक्यू कैसे बनते हैं, बिकॉज व्हेन यू लुक एट दिस क्वेश्चन गूगल का इक्विलाइजेशन लेवाई तो वो दैट इज रिफ्लेक्टिंग कि यूपीएससी इज टाइटनिंग द लेवल ऑफ क्वेश्चन. तो सिंपल सिंपल पढ़ के जाएं और कुछ भी याद नहीं करें तो वो दैट विल बी डेंजरस. सो यस वी हैव टू रिमेंबर मोर. तो अभी क्या रिमेंबर करना है पूरी चीज में, कैपिटल गेन्स टैक्स शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होते हैं, ओके. और इवन शेयर बॉन्ड वगैरह चीज भी, इफ यू आर सेलिंग इट एट आफ्टर सम एक्स इयर्स तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, यस वो लगता है. नाउ व्हाट इन दिस इंटरिम बजट 2019, उसने ये बोला सपोज अ पर्सन इज सेलिंग हिज हाउस ऑन प्रॉफिट तो उसपे सीजीएसटी गलत टाइप हुआ है कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, दैट इज करेक्ट. लेकिन सपोज मुझे वो प्रॉफिट जो हुआ, इन माई केस इट वॉज लेट अस से 2 लाख रुपीज, सपोज आई एम यूजिंग दैट प्रॉफिट अगेन टू बाय 2 मोर हाउसेस, तो उस केस में मुझे जो प्रॉफिट पहले से हुआ जो 2 लाख रुपए उसके ऊपर कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा. स्पेलिंग इज रॉन्ग, सीजीटी कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा. सो दैट मीन्स सपोज आई एम सेलिंग माई हाउस एंड आई एम मेकिंग 2 लाख रुपीज प्रॉफिट, तो उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगता था बाय डिफॉल्ट, यस. बट सपोज आई एम यूजिंग दैट 2 लाख रुपीज टू बाय 2 न्यू हाउसेस, ऑफकोर्स 2 न्यू हाउसेज विल नॉट कम इन 2 लाख रुपीज, उसमें और भी पैसा मुझे खुद का भी जोड़ना पड़ेगा. बट यस सपोज आई एम यूजिंग द मनी लाइक दैट, देन आई विल नॉट हैव टू पे कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन दैट 2 लाख रुपीज. और ये वाली स्कीम दैट विल बी ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम में यूज कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं कि हर साल में 2-2 मकान खरीदता रहा. अब ऐसा बिफोर 2019 बजट ऐसी स्कीम थी, बट दैट वॉज एप्लीकेबल अप टू 1 न्यू रेसिडेंशियल हाउस ओनली, एक मकान खरीदा तो ही, 2 मकान खरीदने पर नहीं था. बट यस अभी हमने थोड़ी टाइम पहले भी देखा इन द कॉर्पोरेशन टैक्स ऑल्सो रियल एस्टेट कंपनियों को कुछ मुनाफा लोअर टैक्स उनको हो ऐसा राहत दिया गया है. सो सिमिलरली यहाँ रियल एस्टेट कंपनियों की प्रॉब्लम ये है अनसोल्ड इन्वेंटरीज, कोई मकान नहीं खरीदता तो मकान खरीदने के लिए लोगों को इनकरेज कैसे करेंगे, यू विल मेक सम गिव सम बेनिफिट लाइक दिस ताकि मुझे मोटिव रहे आई विल गो एंड बाय 2 न्यू हाउसेस एंड देन बिल्डर्स विल रिमेन हैप्पी और वो इलेक्शन फाइनेंस में मदद करे वगैरह वगैरह, नॉट इम्पॉर्टेंट. अब उसके अलावा इनकम टैक्स कंप्यूटेशन में भी नोशनल रेंट इनकम ऑन सेकंड हाउस ऑल्सो ट्विक, बट वो अननेसेसरीली वो बहुत डिटेल में चला, दैट मच वी डोंट हैव टू रिमेंबर. सो या कैपिटल गेन्स टैक्स एंड सम बेनिफिट्स वर गिवन टू इनकरेज द रियल एस्टेट सेक्टर. नाउ दिस थिंग्स आई हैव गिवन ऑन पेज 102, इधर एक लिखना है ब्लैंक में 0 प्रॉफिट कंपनीज, उस पर क्या लगता है मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स. और दूसरी चीज है कैपिटल गेन्स टैक्स इट इज सब डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, कौन सा लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म.
इंद्रजीत, अभी सेकंड पिलर तो कंप्लीट नहीं हुआ है, सो वी विल बी स्टडिंग मार्च रश एंड जेंडर बजट एंड सो मेनी थिंग्स, बट अभी तो हम जो पढ़ रहे हैं दैट वी आर स्टडिंग टैक्स, तो टैक्स पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स। नाउ आई थिंक लेट अस टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स और उसके बाद वी विल कंटिन्यू फॉरवर्ड। सो 5 मिनट्स ब्रेक एंड देन वी विल कंटिन्यू फॉरवर्ड, बिकॉज जितने स्लाइड्स है इट विल टेक सम 1 आवर और अभी क्लास चलेगा, सो बेटर वी टेक अ 5 मिनट ब्रेक और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो 5 मिनट्स ब्रेक।
Okay, friends, our 5 minute break is over, so let us continue. For what we are studying, the direct taxes. Yeah, so we are studying direct taxes, or uske andar ab hum dekhte hain income tax. Just a minute. Ab theek ho gaya. इनकम टैक्स सपोज देर इज अ जेंटलमैन जो कि इंडियन रेसिडेंट है, सिटीजन नहीं, रेसिडेंट जो भी रहता है भारत में, टैक्स देना पड़ता है, और उसकी एज है लेस देन 60 ईयर सपोज, और उसकी ग्रॉस इनकम मतलब अलग अलग स्रोत से, थोड़ा सैलरी से होगा, कुछ शेयर बॉन्ड से उसने, एंड सो मैनी थिंग्स, कुछ मकान भाड़े पे दिया होगा उसका पैसा आया होगा, कुछ चीज उसने बेची होगी उसका पैसा आएगा, कुछ उसे गिफ्ट में मिला होगा, सो ऑल दो सोर्सेज कलेक्टिवली जो पैसा हाथ में आया, सपोज ग्रॉस इनकम है 9 लाख रुपीज, सो डज ही हैव टू पे इनकम टैक्स ऑन 9 लाख रुपीज? नो, उसमें से कुछ चीजें उसने माइनस करनी होगी, सपोज एग्रीकल्चर इनकम. वाई? बिकॉज ओनली स्टेट गवर्नमेंट कैन डिमांड टैक्स ऑन इट, यूनियन गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं मांग सकती. देन विद इन इनकम टैक्स एक्ट कुछ प्रोविजन है, सपोज लाइक LIC, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ऐसी चीजों में आपने एक्स अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट किया तो उतना पैसा आपने ग्रॉस इनकम से माइनस कर देना है. सिमिलरली लाइक एजुकेशन लोन, होम लोन, हाउस रेंट, वेलफेयर फंड, अलग अलग एग्जेम्पशन, डिडक्शन, डेप्रिसिएशन के कुछ लाभ दिए जाते हैं टू वेरियस कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स. अब वो क्या क्यों कैसे हैं, वी आर नॉट हियर फॉर सीए एग्जाम, सो सिंपली इग्नोर दैट. बट यस, वट एवर यू हैव अर्न, तो उसमें से कुछ पैसा माइनस हो जाएगा, एंड देन वट एवर इज लेफ्ट, तो वो बन गई अपनी टैक्सेबल इनकम. सपोज टैक्सेबल इनकम इज 5,50,000 रुपीज, then what will happen? Then government will demand ki by what is your occupation. Suppose this guy says my occupation is that I am a salaried employee, mera koi dhanda rozgar nahi, I am a salaried employee. In that case government will say what is your taxable income, okay this much, then we will give you standard deduction of 50,000 rupees. Matlab ye jo 5,50,000 hai usme minus karo, bacha kitna, 50,000 minus kiya to 5 lakh rupees, so that will be your taxable income, and on that you will have to pay the income tax. Before the interim budget of 2019, the amount was 40,000 rupees standard deduction dete the. But then of course election is coming, so we want to keep the middle class happy. So bola, bada ke bola 50,000 rupees standard deduction for salaried employees. So ultimately what you get is taxable income, aur uske upar 5%, 20%, 30%, whatever are the slabs, utna tax bharna hai. So okay, gross income mein se ye sab minus ho ke jo mila taxable income, and then what will happen? There will be tax slabs. First, we will look at the tax slabs for the not senior citizens. मतलब नौजवानों के लिए, जिन्होंने 60 या उसके ऊपर नहीं है एज, ऐसे लोग. उनको ये बोला जाएगा कि simply you come with 4 buckets, और उसके अंदर आप पैसा फिल करो. पहली जो बकेट है, उसमें मैक्सिमम 2,50,000 रुपए ही आप फिलअप कर सकते हो, उतनी ही उसकी कैपेसिटी है. एंड ऑन दैट हाउ मच इनकम टैक्स यू हैव टू पे, बोला 0%, कुछ पे नहीं करना है. सो दिस बकेट इज फिल्ड, देन दे विल से नेक्स्ट बकेट में पैसा फिलअप करो. नेक्स्ट बकेट में कितना पैसा फिलअप कर सकते हो? मैक्सिमम 5 लाख रुपीज के नोट उसमें रख सकते हो, और उस पर कितना इनकम टैक्स भरना है? बोलते हैं 5%. तो ये बकेट भी सपोज फिलअप हो गया, देन दे विल से गो टू नेक्स्ट बकेट, और उसके अंदर भी आप मैक्सिमम 5 लाख रुपीज फिलअप कर सकते हो, बट उसके ऊपर इनकम टैक्स कितना भरना है? 20%. एंड देन देर विल बी लास्ट बकेट, उसके ऊपर दिस इज इनफाइनाइट बकेट, उसमें जितना डालना है उतना पैसा आप रख सकते हो, बट यू विल बी आस्क्ड टू पे 30% इनकम टैक्स. सो दोज आर इनकम टैक्स स्लैब्स. कितने? 5%, 20%, 30%. बिफोर बजट 2017 स्लैब कुछ अलग थे, 10%, 20%, 30%, बट अब कौन सी इनकम पे कितना उतना याद नहीं रखना, बढ़िया देवर डिफरेंट. अभी आफ्टर बजट 2017 क्या है? 5, 20, 30, दोज आर द स्लैब्स. सो अवर जेंटलमैन दिस पर्टिकुलर, उसका कितना था? 5 लाख रुपीज टैक्सेबल इनकम, राइट? तो उसमें से वो फर्स्ट बकेट में कितना पैसा फिल करेगा? मैक्सिमम फिलअप कर देना है, तो 2,50,000 रुपये फिलअप कर दिया, उसके ऊपर तो कोई भी इनकम टैक्स नहीं भरना. देन ही विल मूव टू द नेक्स्ट बकेट, उसके अंदर कितना पैसा फिलअप करेगा? मैक्सिमम उसमें भी 2.50 लाख ही कैन फिल, और उस पर कितना पे करना है? 5% इनकम टैक्स ही हैज टू पे. और बाकी वाले बकेट वो है तो सही, बट दैट जेंटलमैन डज नॉट हैव दैट मच टैक्सेबल इनकम कि वो तीसरा चौथा बकेट फिलअप कर सके.
वी कैन कैलकुलेट इट लाइक दिस. टैक्सेबल इनकम सपोज 5 लाख रुपए, उसमें पहला बकेट मतलब 2.5 लाख रुपए अप टू 0 से लेके 2.5 लाख रुपीज कितना 0% इनकम टैक्स. उसके बाद हुआ 2.5 लाख से ज्यादा ऊपर वाली इनकम अप टू 5 लाख रुपीज, मतलब अगेन 2.5 लाख रुपीज, राइट, उस पर कितना 5%, तो 12,500 बनना है. उसके ऊपर 20% और 30% वाले वो तो उसको लागू नहीं पड़ेंगे, भाई दिस गाइस इनकम इज नॉट दैट बिग. तो टोटल टैक्स उसको कितना पे करना है, 12,500. हावेवर इंटरिम बजट 2019 में बोला कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम इज अप टू 5 लाख रुपीज देन वी विल गिव यू टैक्स रिबेट ऑफ 12,500. दैट मीन्स ये जो आपको टैक्स भरना है उसमें से माइनस टैक्स रिबेट करो, कितना है 12,500. सो हाउ मच यू हैव टू पे, 0 रुपीज यू हैव टू पे फॉर इनकम टैक्स इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो. सपोज देयर इज मुकेश अंबानी, उसको भी पूरे जितना पैसा कमाया रिलायंस कंपनी विल पे द कॉर्पोरेशन टैक्स, बट आफ्टरवर्ड्स वो उसको डिविडेंड के रूप में नीचे नीचे आएगा 15%. ओके, उसके अलावा भी जो पैसा आएगा अल्टीमेटली विल बिगिन कंप्यूटेशन, तो वो तो अरबोपति है तो ही विल गो इन 30%, तो उसको कोई रिबेट नहीं मिलेगा, ही विल हैव टू पे बिग टैक्स. नाउ अभी इंटरिम बजट सेज दैट ओके सम 12,500 टैक्स रिबेट अप इफ योर टैक्सेबल इनकम इज अप टू 5 लाख रुपीज. प्रीवियसली द रिबेट वॉज सम 2,500 रुपए इफ टैक्सेबल इनकम वॉज अप टू 3.5 लाख रुपीज, बट इंटरिम बजट रेज्ड इट. वाई रेज्ड इट? टू कीप द वोटर्स हैप्पी बिफोर द इलेक्शन, बट दैट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट. उतना याद रखना है कि टैक्स रिबेट बढ़ाया गया है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द इनकम टैक्स स्लैब्स, तो ये तो हमने समझ लिया कि 5%, 20%, 30%. 10 लाख से ज्यादा टैक्सेबल इनकम है तो वो वाले बकेट में जितना पैसा यू हैव टू पे 30% इनकम टैक्स. नाउ सपोज योर टैक्सेबल इनकम इज 50 लाख रुपीज और उससे भी ज्यादा, तो 30% टैक्स तो भरना है, बट एडिशनली 10-15% सरचार्ज भी भरना होगा. मतलब कितना टैक्स अमाउंट का परसेंटेज निकालोगे और उसने ऊपर वो सरचार्ज, एंड देन उसके ऊपर भी एवरी वन ऑल दिस पीपल दे हैव टू पे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑन टैक्स प्लस सरचार्ज इफ एनी. सपोज देर इज अ गाय इन लेट अस से 20% स्लैब या 5% स्लैब, तो उस पर सरचार्ज तो नहीं आएगा, बट स्टिल ही विल हैव टू पे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑन द वट एवर टैक्स इज पेइंग. तो बजट 2018 बोला 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एंड इट इज कंटिन्यूड, तो अभी नए बजट में भी ये तो है. बिफोर बजट 2018 देर वॉज ओनली 3% एजुकेशन सेस, बट 2018 वाले ने बढ़ा के कर दिया 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. सो दिस मच यू हैव टू रिमेंबर. ओके, देर इज अ सेस ऑल्सो इन दिस केस. दिस इज फॉर इंडिविजुअल्स जिनकी एज 60 से कम है. वॉट अबाउट सीनियर सिटीजन्स? उसमें 60 से ज्यादा बट 80 से कम ऐसे लोग हैं, देन अप टू 3 लाख रुपीज तो उन्होंने कुछ टैक्स नहीं भरना. 3 लाख से ज्यादा होगा तो 5, 20, 30 उनको लागू होगा. वॉट अबाउट वेरी सीनियर सिटीजन? तो उनको अप टू 5 लाख रुपीज तो कुछ भी नहीं भरना, उसके ऊपर जो होगा उस पर 20-30% भरना होगा. एंड सपोज वो भी ऐसा अरबपति है तो उसको सरचार्ज भी भरना है, राइट? सपोज दैट गाइज इन 20% तो सेस तो फिर भी भरना है. सो दोज थिंग्स विल बी एप्लीकेबल, उसमें कोई दया नहीं होगी. बट इन आवर केस वॉट विल हैपन? दिस गाय हैज टू पे हाउ मच टैक्स? 12,500. गवर्नमेंट सेज दैट माइनस द रिबेट कितना 12,500. सो योर आंसर इज 0. हाउ मच टैक्स ही हैज टू पे? द आंसर इज 0. देन सरचार्ज कितना पे करना है? सरचार्ज मीन्स टैक्स ऑन टैक्स, तो वो तो 0 × 0 × 0 ही हो जाएगा. बिसाइड सरचार्ज किसके लिए है? इफ योर टैक्सेबल इनकम इज 50 लाख और अबाउट, दिस इज अ मिडिल क्लास पर्सन, तो उसको वैसे भी सरचार्ज तो लागू नहीं होगा. सेस लागू होगा, या बट सेस क्या होगा? 4% प्लस इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज इफ एनी. सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन? 4% प्लस 0 प्लस 0 तो क्या होगा, मतलब 0 का 4% क्या होगा? 0. सो ही डज नॉट हैव टू पे एनीथिंग अल्टीमेटली. बट ऑफकोर्स इफ इन द हायर स्लैब सपोज इधर होता देन ही वुड हैव नॉट गॉट दिस रिबेट एंड देन ही वुड हैव टू पे सम टैक्स प्लस सेस प्लस सरचार्ज अगर लाखोंपति है वो 50 लाख से ज्यादा. ऑफकोर्स ये ऐसी चीज है, इट मे और मे नॉट गो इन योर हेड, देन डू नॉट वरी अबाउट इट. यूपीएससी आपको ऐसा नहीं पूछेगा इलुस्ट्रेट हाउ इज द इनकम टैक्स कंप्यूटेड, बट सम वेग आइडिया तो पता होना चाहिए ताकि आप लोग रॉन्ग स्टेटमेंट एलिमिनेट कर सको. फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा स्टेटमेंट आए सीनियर सिटीजन आर कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेस एंड सरचार्ज, द आंसर इज नो. वाई? वो अरबपतियों का सेस सरचार्ज इज देयर. एवरी इंडियन सिटीजन इज गिवन 12,500 का रिबेट, अगेन आंसर इज नो. वो तो टैक्सेबल इनकम मध्यम वर्ग के लिए, मुकेश अंबानी विल नॉट गेट 12,500 का टैक्स रिबेट. सो सम बेसिक आइडिया यू नीड टू हैव सो दैट यू कैन एलिमिनेट दी रॉन्ग स्टेटमेंट्स. दोज थिंग्स आई हैव गिवन ऑन पेज 103.
जब आप क्या लिखना है, एक तो इधर लिखो 12,500, दैट इज द टैक्स बाय डिफॉल्ट इतना होगा, बट यस रिबेट भी उतना ही है, तो माइनस टोटल टैक्स कितना पे करना है, जीरो, और उसके बाद से सरचार्ज के अल्टीमेटली भी कितना है, जीरो. सी आंसर इज लाइक दिस. डोंट वरी इफ यू आर कंफ्यूज अबाउट दिस, सिंपल वेग आइडिया होना चाहिए कि कैसे गिनती होती है, सो दैट वी कैन एलिमिनेट दी रॉन्ग स्टेटमेंट्स. किमसी सोनकर राजा माली एंड अदर्स यू हैव डन इट. ओके सो वी विल मूव फॉरवर्ड. अगर रह गया कोई चिंता मत करो, आई विल अपलोड पावर पॉइंट आफ्टर द क्लास. व्हाट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसमें हिंदू के अलावा बुद्धिस्ट जैन सिख ऐसी कोई फैमिली, ये वाले लोग, दे कैन कम टूगेदर एंड पुल देयर एसेट्स एंड फॉर्म अ थिंग कॉल्ड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. तो इनकम टैक्स एक्ट में उनके ऊपर टैक्स लगता है ये वाले से, बट देयर विल बी सम अदर प्रोविजंस ऑल्सो, तो ये बोल सकते हैं आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है. सो दे आर टैक्स सेपरेटली फ्रॉम देयर मेंबर्स, और उसके चलते इनकम टैक्स वगैरह में कुछ सुविधा होती है बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रोविजंस और लूप होल्स इन द इनकम टैक्स एक्ट. अब वो हाउ एग्जैक्टली, वॉट एग्जैक्टली, वेल नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर सी एग्जाम, इम्पॉर्टेंट फॉर सी एग्जाम बट नॉट फॉर यूपीएससी एग्जाम. हमें बस याद इतना रखना है, यस देर इज अ थिंग कॉल्ड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड दे हैव सम बेनिफिट्स इन द इनकम टैक्स एक्ट. हमने वी कंप्यूटेड इनकम टैक्स फॉर दिस पर्सन जो कि एक सैलरीड एम्प्लॉय था, सो इट वॉज वेरी इजी टू कंप्यूट इनकम टैक्स ऑन हिज सैलरी, टैक्सेबल इनकम दिस दैट वी हैव डन इट. देर इज अ कंपनी, तो कंपनी को क्या करना है, कॉरपोरेशन टैक्स भरना है. नाउ कॉरपोरेशन टैक्स के ऊपर दे विल हैव सम फुल टाइम अकाउंटेंट जो कि बैलेंस शीट कंप्यूट करेंगे, कॉरपोरेशन टैक्स भरेंगे उसके ऊपर, सो इट इज वेरी इजी फॉर देम. विजय माल्या या मुकेश अंबानी, दे डोंट हैव टू टेक द हेडेक ऑन देयर ओन हेड. सिंपली दिस सैलरीड गाय ऑल्सो नीडंट टेक हेडेक ऑन हिज ओन हेड, उसकी प्राइवेट कंपनी वाले उसको कंप्यूट करके दे देंगे, यू हैव टू पे दिस मच इनकम टैक्स. बट इन बिटवीन जो लोग होते हैं, देर इज प्रॉब्लम फॉर देम, मतलब कि सेल्फ एम्प्लॉयड, फ्रीलांस कंसल्टेंट, प्रोफेशनल्स, लॉयर, डॉक्टर, फैशन डिजाइनर वगैरह, दे ऑल्सो हैव टू पे इनकम टैक्स. वो तो बात सही है, बट हाउ टू कंप्यूट दैट पर्टिकुलर की टैक्सेबल इनकम कितना है, बिकॉज यू हैव टू डिडक्ट द एक्सपेंडिचर इतना हुआ, उसके बाद अल्टीमेटली प्रॉफिट इतना हुआ, सो समटाइम्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंप्यूट एग्जैक्ट प्रॉफिट. और फिर कुछ केस में इट इज डिफिकल्ट टू हायर द फुल टाइम अकाउंटेंट्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बिकॉज उसका उतना शुरुआत में बिजनेस ही जोरदार नहीं है. तो ऐसे लोगों के लिए एक चीज लेके आए, उसके बोलते हैं प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन. प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन मीन्स ऐसे लोगों को, ये फ्रीलांस जो भी काम कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल आस्क व्हाट इज योर ग्रॉस इनकम, जितने 5 लाख, 15 लाख, वॉट एवर, उसका एक्स परसेंट वो आपका प्रॉफिट हम लोग मान लेंगे, एंड फ्रॉम दैट प्रॉफिट यू हैव टू पे 5, 20, 30 इनकम टैक्स स्लैब, जो तो पहले कंप्यूटेशन देखा उस हिसाब से करके पे कर देना. सो दैट इज कॉल्ड प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन. प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन मतलब अलग से कोई टैक्स नहीं है, अल्टीमेटली दिस पीपल आर आइदर आप पे करते हो इनकम टैक्स, और इफ यू आर अ कॉर्पोरेट कंपनी यू आर पेइंग कॉर्पोरेशन टैक्स. सो इन बिटवीन प्रिजम्प्टिव टैक्स इज नॉट अ थर्ड टैक्स, इट इज सिंपली अ मेथड ऑफ कैलकुलेशन फॉर दिस फ्रीलांस टाइप ऑफ पीपल. तो ये तो सालों से चल ही रहा है, बट इन 2017 बजट गवर्नमेंट गिव सम इंसेंटिव्स कि अगर ऐसे लोग, दोज हु आर अंडर द प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन, सपोज दे आर एक्सेप्टिंग द पेमेंट थ्रू कैशलेस मेथड, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, नेफ्ट, आरटीजीएस, तो अपने बिजनेस के खर्चा जो करते हैं वो भी, और बिजनेस में कस्टमर से पैसा रिसीव करते हैं वो भी, इफ दे आर डूइंग कैशलेस ट्रांजेक्शन, तो उसको ये फॉर्मूला के अंदर कुछ हम राहत देंगे, सो दैट दे विल बी इनकरेज टू यूज द कैशलेस ट्रांजेक्शन, सो दैट बेनिफिट वॉज गिवन टू दैम. नाउ हाउ एग्जैक्टली वो काम का नहीं, बढ़िया, कैशलेस ट्रांजेक्शन करने के लिए कुछ लाभ उनको दिए गए थे. व्हाट एल्स, व्हाट इज एडवांस टैक्स. 2019 फाइनेंशियल ईयर चालू कब से होगा, 1 अप्रैल 2019, और वो कब तक चालू रहेगा, 31 मार्च 2020. नाउ सपोज देर इज अ जेंटलमैन, वो ऐसा बोलता है कि मैं अपने सारे डायरेक्ट टैक्स, मेरी कंपनी का कॉरपोरेशन टैक्स और अल्टीमेटली मुझे जो पे करना है वो इनकम टैक्स, वो सारे मैं 31 मार्च 2020 को 11:59 के ऊपर में अपलोड कर दूंगा, सो दैट इन बिटवीन दैट टाइम वो सारा टैक्स का पैसा मेरे पास रहेगा इन माय सेविंग अकाउंट एंड आई विल अर्न इंटरेस्ट ऑन इट. आई विल गिव यू द मनी बट ऑन द लास्ट डेट, लास्ट मिनट पे. बट उसमें गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होगा, वाई, बिकॉज इन बिटवीन दिस होल ईयर, ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवंबर, राइट,
इन बिटवीन गवर्नमेंट हैज टू पे सम 2000 रुपीज टाइम थ्री, 6000 रुपये वो पीएम किसान योजना में देने हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का कुछ प्रीमियम पे करना है, सो मेनी थिंग्स. ऑफकोर्स पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट को अप्रूव किया कि अप्रोप्रिएशन बिल आपका पास किया है एंड यू कैन स्पेंड मनी फॉर कंसोलिडेटेड फंड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड. बट कंसोलिडेटेड फंड विल नॉट जनरेट मनी बाय इटसेल्फ, उसमें पैसा किधर से तो आना चाहिए, राइट? इट हैज टू गेट सम टैक्स या फिर उधारी में बोरोइंग से पैसा आना चाहिए. सो देयरफॉर देयर इज अ सिस्टम कॉल्ड एडवांस टैक्स. एडवांस टैक्स मतलब ऐसे मालदार लोग जिनकी टैक्स लाइबिलिटी, एनुअल डायरेक्ट टैक्स लाइबिलिटी एक्स रुपीज से ज्यादा है, उनको ये बोला जाता है कि ऑफकोर्स फाइनेंशियल ईयर विल एंड ऑन 31st मार्च, बट यू हैव टू पे योर इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स इन एडवांस इंस्टॉलमेंट्स ऑन क्वार्टरली बेसिस. मतलब 3-3 महीनों के अंतराल में, अप्रैल में कुछ पे करेगा, फिर किधर होगा जुलाई, देन अक्टूबर, देन जनवरी, लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट, आगे पीछे हो सकता है. बट या यू हैव टू पे एडवांस इंस्टॉलमेंट्स. पूरा पैसा रात को 11:59 पे लास्ट डे पे करोगे, सर्वर विल क्रैश एंड सो मेनी प्रॉब्लम्स विल कम फॉर आवर एनुअल एक्सपेंडिचर, सो यू पे दैट टैक्स इन एडवांस. तो एडवांस टैक्स मतलब इट इज नॉट अ थर्ड टैक्स, जैसे प्रिजम्प्टिव टैक्स इज नॉट अ थर्ड टैक्स, राइट? टैक्स तो कौन से, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स ही है, बट दीज आर द मैकेनिज्म्स एसोसिएटेड विद देम. व्हाट इज टैक्स डिडक्शन एट सोर्स? सपोज ये एक फ्रीलांस फैकल्टी है, सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है, फ्रीलांस में काम करता है. तो विजिटिंग फैकल्टी के रूप में सपोज इज गोइंग टू सम कॉलेज एंड कॉलेज पेड हिम 10,000 रुपीज फॉर द लेक्चर, और वो सारा पैसा लेके चला गया. देन हाउ विल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नो कि इसको कितना कमाई हो रहा है, राइट? व्हाट इफ दिस जेंटलमैन ही टेक्स द 10,000 रुपीज एंड वैनिशेस, देन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल नॉट नो दैट वी हैव टू टेक टैक्स फ्रॉम हिम, हमारा पैसा चला जाएगा. सो व्हाट इफ द फैकल्टी डज नॉट रिपोर्ट हिज इनकम टू द डिपार्टमेंट? सो देयरफॉर देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड टैक्स डिडक्शन एट सोर्स. सपोज गवर्नमेंट सेज 10% TDS, तो इट मीन्स कि कॉलेज ने 10,000 इसको पे करना है फैकल्टी को, विजिटिंग फैकल्टी को. नो, दे विल पे 9,000 रुपीज ओनली, और बाकी जो 10,000 में से 9,000 चले इसको दिया, बाकी जो 10% यानी 1,000 रुपये दैट द कॉलेज विल डिपोजिट टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. और वो साथ ही साथ ये वाले विजिटिंग फैकल्टी का पान कार्ड नंबर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देंगे, सो दैट अल्टीमेटली इस फ्रीलांस फैकल्टी जिसको 10,000 मिलने थे उसके बदले ही हैज रिसीव्ड ओनली 9,000 रुपीज, सो ही हैज टू अनलॉक दिस 1,000 रुपीज विच इज विद दिस डिपार्टमेंट. तो उधर जाके अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, दिस इज माय पान कार्ड नंबर और उस पर इतना जमा हुआ है, एंड प्लीज डू दिस थिंग्स, कैलकुलेट अकॉर्डिंगली. सो दिस इज द मैकेनिज्म कॉल्ड टैक्स डिडक्शन एट सोर्स. ये वाला आदमी जो कि सोर्स है जहां से पैसा इसको पे में जा रहा है, बट या ही विल डिडक्ट सम मनी एंड डिपोजिट टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. Now suppose ये freelance faculty, suppose his taxable income was less than 5 lakh rupees, और तो फिर तो उसको 0 rupees ही पे करना पड़ेगा. भाई वो याद करो 12,500 वाला rebate उसको मिल रहा है. So ultimately this faculty has to pay only 0 rupees, and yes, ये college वालों ने 1,000 rupees income tax department में जमा कर दिया. Then what will happen? This faculty will deposit his forms and everything, and then income tax department will return his money, right? With interest, तो उसे आप बोलेंगे टैक्स रिफंड. ये उसको पे करना ही नहीं था बट काट के सरकार में जमा हो गया था, देन इट विल बी लाइक दैट. सपोज उल्टा केस हो गया, सपोज दिस जेंटलमैन हैज टू पे 50,000 रुपीज एज टैक्स, तो क्या करोगे? इन दैट केस ये TDS का 1,000 रुपीज उसके साथ एडजस्ट कर दोगे, देन फैकल्टी विल हैव टू पे ओनली 49,000 रुपीज एज टैक्स टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. सो लाइक दैट द मैकेनिज्म्स विल वर्क. ऑफकोर्स दिस TDS इट इज अ वेरी गुड कंसेप्ट, वो टैक्स इवेजन से लड़ने के लिए मदद करता है, बट ऑन लोअर मिडिल क्लास इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स. कैसे? सपोज दिस लोअर मिडिल क्लास पीपल दे हैव डिपोजिटेड सम मनी इन पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम, या फिर ये कोई बैंक में पैसा रखा है. सो दे हैव डिपोजिटेड मनी, उसके ऊपर ये लोग क्या करेंगे, बैंक पोस्ट ऑफिस दे विल पे इंटरेस्ट, बट वो इंटरेस्ट पे भी सरकार बोलती है नो, TDS कट करके उसको पैसा देना, बाकी का पैसा हमको जमा करना, सो दैट दिस लोअर मिडिल क्लास फैमिली विल बी फोर्स टू पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, दे विल शो देयर पान कार्ड नंबर एंड वी विल ट्रैक एवरीथिंग. दिस यूज टू हैपन लाइक दिस. सपोज आपको ये कोई ऑर्गेनाइजेशन 20,000 रुपीज या उससे ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रही होती पूरे साल में, दे हैड टू कट सम TDS एंड डिपोजिट टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. But then the problem with lower middle class people is, in between suppose इसको अपने बच्चों की college fee pay करनी है,
एंड ही इज फेसिंग द मनी शॉर्टेज, बिकॉज सपोज इसके ऊपर इनकम टैक्स लाइबिलिटी है ही नहीं, उसको 12,500 का रिबेट मिलने वाला है, बट दोज थिंग्स विल बी क्लियर आफ्टर द ईयर एट सम एक्स डेट. तो इन बिटवीन उसका तो पैसा टीडीएस में कटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, एंड दैट गाय वॉन्ट्स कैश टू पे द फीस, तो क्या करें? तो ऐसे सब लोगों को खुश करने के लिए बजट 2019 उसमें क्या बोला, ये जो थ्रेशोल्ड था पहले कि अगर इंटरेस्ट 20,000 या उससे ज्यादा बैंक या पोस्ट ऑफिस वाले पे कर रहे होते थे तो टीडीएस काट के सरकार में देना था, दैट थ्रेशोल्ड इज हाइक टू 40,000 रुपीज. मतलब बड़े मालदार लोग होंगे उसका ही पैसा टीडीएस में कट होके जाएगा, ये लोअर मिडिल क्लास फैमिली है तो उसकी तो कोई इतना 40,000 रुपीज का इंटरेस्ट तो आता नहीं होगा बैंकों से, सो देन टीडीएस विल नॉट बी कट फ्रॉम हिम. सो दैट इज द न्यू अनाउंसमेंट इन द न्यू बजट. वॉट इज टैक्स कलेक्शन एट सोर्स? सपोज दिस जेंटलमैन वो जाके 25,00,000 रुपए की आलिशान कार खरीदता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल बिगिन टू वंडर कि भाई इसको 25,00,000 रुपए आए किधर से, वी वुड लाइक टू नो अबाउट दिस ट्रांजेक्शन एंड इज सोर्स ऑफ इनकम. देन वॉट दे विल डू, दे विल ऑर्डर द कार डीलर्स कि आपने ये अमाउंट यू हैव कलेक्टेड, ओके जीएसटी भी कलेक्ट करेगा, जीएसटी वो इनडायरेक्ट टैक्स में जाएंगे, अलग से पड़ेंगे, बट एडिशनल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेज दैट 1% एक्स्ट्रा यू डिमांड एज टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स. तो मतलब 25,00,000 कार का पेमेंट देना है प्लस एक्स्ट्रा 1%, मतलब 25,000 टैक्स कलेक्टेड सोर्स, और वो वाला पैसा डीलर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिपॉजिट करेगा विद कस्टमर्स पान कार्ड नंबर. तो अब ये जेंटलमैन को बेफिजूल में 25,00,000 की गाड़ी प्लस एडिशनल 25,000 रुपीज आर लॉक्ड, राइट? सो देन ही विल हैव टू फाइल द अगेन सम टैक्स रिटर्न एंड फॉर्म्स टू द डिपार्टमेंट टू रिक्लेम हिज 25,000 रुपीज. सो एट दैट टाइम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल कम टू नो ओके दिस जेंटलमैन हैज दिस मच, उसका पान कार्ड नंबर, पहले कितना टैक्स पे किया था, और वो सारा ब्लैक मनी और वो सब चीज कैलकुलेट कर सकते हैं. ऑफ कोर्स टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, वो जीएसटी में भी कुछ और पढ़ना है, दैट वी विल सी इन टुमारोस लेक्चर. सो दिस थिंग्स आई हैव गिवन इन दी हैंडआउट, यू डोंट हैव टू वरी मच अबाउट इट हाउ इट एग्जैक्टली वर्क्स. अब यहाँ पर मैंने ये सब लिखा तो हाँ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन, एडवांस टैक्स, और इधर है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और उसके बाद पेज 105 के ऊपर है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स. सिंपल कॉन्सेप्ट्स, आसान एमसीक्यू बनते हैं, बट बेसिक हमको पता होना चाहिए, सो वी हैव लर्न्ड अबाउट दिस. सो दिस टाइटल्स यू राइट, आई विल गिव यू 1 मिनट. More seconds. Deducted means आपको जो पे कर रहा है उसमें से काटेगा, collected means आप उसको पे कर रहे हैं, he is taking it. राहुल तिवारी सिंह, इतना मैं याद नहीं पाता सर, बेसिक पता हो काफी है. आई डू नॉट अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर कंटेक्स्ट राहुल, आप ये मुझे बोल रहे हैं या किसी और को जवाब दे रहे हैं, बट भाई पसंद हो कि ना हो, अल्टीमेटली वी हैव टू स्टडी, सो वी आर स्टडिंग. एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टैक्सेस, व्हाट इज दिस? सपोज देर इज सम इन्वेस्टर जिसके पास यूएस डॉलर्स हैं, और आज जाके वो उसे युआन में कन्वर्ट करके चाइना के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, एंड देन ही इज मेकिंग सम प्रॉफिट, एंड इमीडिएटली वो उसको कन्वर्ट करके इंडियन रुपी में कन्वर्ट कर दे, एंड देन ही इज सपोज पुटिंग इट इन इंडियन मार्केट, और फिर तीसरे दिन उसको लगता है नहीं अफ्रीका में और मजा है, तो इंडियन रुपी को अफ्रीकन करेंसी में कन्वर्ट करके उधर ले जाता है. अगर ऐसा कुछ हो रहा है, दिस टाइप ऑफ स्पेक्यूलेटिव इन्वेस्टमेंट्स आर टेकिंग प्लेस, और उसके लिए एक जगह से दूसरी जगह करेंसी को वो ले जाते हैं, वट विल हैपन? इट विल क्रिएट वॉलेटिलिटी इन द एक्सचेंज रेट. ये रुपी डॉलर के एक्सचेंज रेट में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा हो जाएंगे. क्यों? एक जगह से दूसरी जगह तुरंत दे आर कन्वर्टिंग द करेंसीज,
एंड इट विल लीड टू वॉलेटिलिटी इन द शेयर मार्केट ऑल्सो. हाउ? चाइना से पैसा तब्दील करके भारत में डाला, आज ऊपर गया शेयर मार्केट, कल वो भाग जाएगा, शेयर मार्केट नीचे आ जाएगा. सो इट विल क्रिएट वॉलेटिलिटी देयर ऑल्सो. सो दीज आर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस. अभी एक्सचेंज रेट कैसे काम करता है वो थर्ड पिलर में आराम से पढ़ेंगे, बट अभी के लिए कि ओके इट विल क्रिएट इश्यूज अगर कोई आदमी रोज रोज पैसा एक करेंसी से दूसरी करेंसी में ट्रांजेक्ट करता है. सो हाउ टू डिस्करेज दिस टाइप ऑफ एलिमेंट्स, उसके लिए अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जेम्स टॉबिन उसने बोला कि जब भी ऐसे कुछ करेंसी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसके ऊपर एक स्मॉल पोर्शन टैक्स लगा दो. सो व्हेन डॉलर इज कन्वर्टेड टू यूएन उसके ऊपर लगा दो टॉबिन टैक्स. जब डॉलर को रूपी यूएन को रूपी में कन्वर्ट किया अगेन टॉबिन टैक्स लगाओ. इसको थर्ड टाइम रूपी को कई अफ्रीकन करेंसी में डाला तो टॉबिन टैक्स. एवरी टाइम यू आर कन्वर्टिंग द करेंसी उसके ऊपर एक पोर्शन होना चाहिए जिसे आप बोलो टॉबिन टैक्स. उससे लाभ क्या होगा? दिस जेंटलमैन वॉट एवर प्रॉफिट ही इज मेकिंग फ्रॉम सच स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट दौड़ दौड़ के इट विल नॉट लुक सो मच प्रॉफिटेबल नाउ, क्योंकि हर बार वो ट्रांसफर करेगा करेंसी एक करेंसी से दूसरी करेंसी में एंड इट विल उसका टैक्स में पैसा कट जाएगा. सो दैट इज दैट टाइप ऑफ कंसेप्ट. उससे अल्टीमेटली दिस जेंटलमैन विल नॉट डू सो मच करेंसी कन्वर्जन, तो उसकी एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी रहेगी, शेयर मार्केट में स्टेबिलिटी रहेगी. सो यस, ये टॉबिन टैक्स या रॉबिनहुड टैक्स की मदद से आप ऐसा स्टेबिलाइज कर सकते हो. भारत के अंदर कोई नियम है क्या? Whenever you want to convert Indian currency to foreign currency या vice versa, तो उसके ऊपर they are subjected to service tax, but अब service tax नहीं, अब क्या है GST. But उसके computation वगैरह अलग रहता है, but yes, there is हवा हवाई आप पूरा पैसा convert करके बाहर नहीं जा सकते. Yes, there is some tax on such financial transactions. What else? ऐसे ही फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की बात करें तो एक और चीज़ है सिक्योरिटीज. सिक्योरिटीज़ क्या है वो सेबी शेयर मार्केट में पड़ा था. शेयर्स होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड डेरिवेटिव्स एंड अदर स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडेड सिक्योरिटीज. जब भी आप उसको खरीदते हैं बेचते हैं उसके ऊपर एक टैक्स मांगती है सरकार, बोलते हैं सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, प्रतिभूति लेन देन कर. उसका रेट क्या होता है? 0.001 to 2%. इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सिक्योरिटी, वो शेयर है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, वॉट एवर. सो यस, ये सब जो शेयर मार्केट में आप ट्रेड करते हैं उसके ऊपर लगता है सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स. वी हैड ऑल्सो स्टडीड अ थिंग कॉल्ड कमोडिटी मार्केट, मतलब कि कहीं पर गोडाउन होता है और उसके ऊपर रिसीव जनरेट करके आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग. तो अगर कोई नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटी है, नॉन एग्रीकल्चर मतलब सपोज ऑयल के कुछ ट्रेडिंग हो रहा है, कुछ सिल्वर या ऐसी मेटालिक, उसके जो कमोडिटी एक्सचेंज होते हैं वहां पर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ऐसी सिक्योरिटीज का रिसीव का, तो वहां पर भी टैक्स लगता है, उसका रेट 0.1%. एनीवे रेट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट सिंपली दैट ये क्या है, दीज आर कॉल्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टैक्सेस, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, कमोडिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स या टोबिन टैक्स बोलो, वो सभी क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आप कुछ कर रहे हैं उसके ऊपर केंद्र सरकार मांग रहा है. सो दे आर डायरेक्ट टैक्सेस ऑफ द यूनियन. अब आपको लगेगा सर हाउ इज दिस डायरेक्ट टैक्स, अगर हम बोले सिक्योरिटी सपोज इट इज लाइक अ किंग, तो वो तो फिर इनडायरेक्ट टैक्स बोलना चाहिए, जैसे हम दूसरी चीजों को बेचते हैं खरीदते हैं. वाई इज इट अ डायरेक्ट टैक्स? अगेन वी कैन विजुलाइज लाइक टैक्स इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट, बट अल्टीमेटली भाई याद रखना ही है तो रखो कि डायरेक्ट टैक्स, दे आर डायरेक्ट टैक्सेस, दे आर लेवाइड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट एंड इनकम टैक्स एक्ट प्रोविजंस. सो वी हैव टू एक्सेप्ट देम एज डायरेक्ट टैक्स बिकॉज लाइक दैट इनकम टैक्स के कंप्यूटेशन और वो सब बोल के हैं. सो अल्टीमेटली व्हाट आर द डायरेक्ट टैक्सेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, हमने पढ़ लिया कॉरपोरेशन टैक्स ऑन कंपनी प्रॉफिट 25%, 30%, 40%. कुछ जीरो प्रॉफिट कंपनी होती तो क्या भरेंगे, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स. इंडिविजुअल पे क्या लगेगा, इनकम टैक्स. कंपनी जब डिविडेंड बेच रही है उस पर क्या लगेगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. कैपिटल गेंस टैक्स, में मकान बेच रहा हूँ, कुछ पेटेंट ट्रेडमार्क बेच रहा हूँ, आई एम मेकिंग प्रॉफिट, तो कैपिटल गेंस टैक्स. सो दीज आर द सम डायरेक्ट टैक्सेस ऑफ द यूनियन की जो आपकी इनकम या प्रॉफिट के ऊपर लगते हैं. सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डिमांड, वो डिमांड कर सकते हैं एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो खेती बाड़ी करते हैं. ऑफकोर्स इन रियल केस सिनेरियो बहुत कम स्टेट के अंदर ये होता है, अदरवाइज फॉर वोट बैंक्स एंड पॉपुलिज्म दे आर नॉट डिमांडिंग एग्रीकल्चर इनकम टैक्स. बट इफ यू गो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और वो उसकी 7th शेड्यूल एंड यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर तो है. देन देयर इज अ प्रोफेशनल टैक्स, मतलब जो खेती बाड़ी नहीं कर रहा है बट इंडिविजुअली सपोज अगेन सम कंसल्टेंट डॉक्टर लॉयर सी एंड मेनी अदर पीपल, दे विल हैव टू पे टू स्टेट गवर्नमेंट प्रोफेशनल टैक्स, व्यवसाय कर. बट वो 5%, 10%, 20% ऐसे स्लैब सब इनफाइनाइट नहीं हो सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है कि मैक्सिमम 2,500 रुपये ही एवरी ईयर
state government can demand as professional tax from a professional. Then there are some direct taxes on your assets and transactions. जैसे कि सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, कमोडिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, क्या ट्रांजेक्शन के ऊपर लिया, फिर आपकी एसेट, मतलब एसेट मकान बेचा तो प्रॉफिट हुआ तो वो बोला इनकम, तो वो कैपिटल गेन टैक्स अलग, बट आपके पास एसेट है, यू आर नॉट सेलिंग इट, इट इज सिंपली विथ यू, तो भी एक जमाने में था कि वेल्थ टैक्स भरना पड़ेगा. सपोज यू हैव सम इतने लाख या करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, यू हैड टू पे वेल्थ टैक्स टू द यूनियन गवर्नमेंट. Then there was a banking cash transaction tax. वो क्या है अभी next slide में आएगा. Then there was a estate duty. तो ये सब क्या थी, these are also direct taxes of the union government. But ये red color में जो लिखे हैं, those were eliminated one by one, तो अभी तो वो है नहीं. But we have to remember for MCQ कि yes, ऐसी भी चीज होती थी. And they were direct taxes. Opposite to that, state government भी कुछ assets या transaction पे direct tax मांग सकती है. जैसे land revenue, लगान, stamp and registration duty, अपने property कि जो खरीद बिक्री करते हैं, देन प्रॉपर्टी टैक्स फॉर अर्बन एरियाज, ऐसी चीजों को वो मांग सकते हैं, दोज आर कॉल्ड डायरेक्ट टैक्सेस ऑफ द स्टेट. अब ये जो वेल्थ टैक्स मैंने बोला, बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन एंड एस्टेट ड्यूटी, दे आर एलिमिनेटेड वन बाय वन ओवर द ईयर्स. इसमें लेटेस्ट एलिमिनेट होने वाला था ये वेल्थ टैक्स, जो कि 2016 के अंदर जेटली ने अपने बजट में बंद करवा दिया. ऑफकोर्स इट डज नॉट मीन यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्स. आपने मकान जब बेचा और प्रॉफिट हुआ तो आपको कैपिटल गेंस टैक्स तो भरना ही है, बट as long as the property is with you, you don't have to pay some tax because you have a particular property. ऐसा बोल के wealth tax जो पहले मांगते थे, that system is no longer there. हाँ, ये जो चीज मैंने आपको बताया, security transaction, commodity transaction, that we have studied. Okay. What is this banking cash transaction tax? MDR lecture में भी देखा था, वापस देख लेते हैं. In 2005-09, ये चिदंबरम लेके आए banking cash transaction tax. Simple सिस्टम ये था, एक ही दिन में अगर आप अपने बैंक अकाउंट से इफ यू आर विड्रॉइंग मोर देन 10,000 रुपीज, तो वो जितनी भी अमाउंट है उसका 0.1% टैक्स के रूप में बैंक वाले काट के गवर्नमेंट में जमा कर देंगे. दैट वाज बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स. दैट वाज 0.1% ऑन विड्रॉल ऑफ कैश ऑन अ सिंगल डे फॉर 10,000 और मोर फ्रॉम बैंक्स. उससे लाभ क्या हुआ, इट हेल्प इन द डेटा माइनिंग कि कौन से बैंक अकाउंट से कितना कैश ट्रांजेक्शन हो रहा है. कोई बोगस बिल बना के, डमी फॉर्म बना के टैक्स इवेजन करते थे, वो सारी चीजों के ऊपर गवर्नमेंट कुछ बिग डेटा माइनिंग कर पाया बिकॉज ऑफ सच टैक्स. और उसके बाद 2009 में बंद कर दिया. और उसके चलते इट ऑल्सो इनकरेज कैशलेस ट्रांजेक्शन, बिकॉज आपने कैश विड्रॉ किया, यू हैव टू पे सम 0.1% ऑन द अमाउंट, रादर की सीधा चेक से ही या नेफ्ट आरटीजीएस से पेमेंट कर दे. सो लाइक दैट इट इनकरेज. But after 2009, it was eliminated. So now we do not have any banking cash transaction tax. But yeah, it is also a direct tax on your asset and transaction. Again, you may be wondering, ye to bank wale jama karke dete, then how can you say this is direct tax? But it is direct tax according to annual financial statement. And ultimately, aapse hi wo ja raha hai. Ye to administrative mechanism simply is there that he is doing like that. Anyways, usme jyada hai, kaun sa direct, kaun sa indirect. Simply jo handout or PowerPoint mein accordingly you move. These are direct, these are indirect. हर एक में सोचने बैठो, why is this direct or indirect? तो वो कोई, it is a waste of time and energy. Now direct tax on your assets. एक चीज थी estate duty. ये बुजुर्ग, suppose he dies and sends his property, estate, land, ऐसा कुछ अपने will में लिख के गया, तो जिसको वो मिला, that gentleman will have to pay estate duty. तो एस्टेट ड्यूटी, इनहेरिटेंस टैक्स ऐसा बोलते थे, बट इट वॉज एलिमिनेटेड वे बैक इन 1980s. बट यस, अगर एमसीक्यू में पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो ये क्या है, इट वॉज डायरेक्ट टैक्स ऑन योर एसेट्स. नाउ सम टैक्सेस बाय डिफॉल्ट वी अंडरस्टैंड दैट इफ यू आर परचेजिंग सम कार और बाइसिकल तो इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, बट देर आर सम डायरेक्ट टैक्सेस ऑल्सो जो कि एक्सपेंडिचर पर लगते थे एक जमाने में. देर वॉज अ थिंग कॉल्ड गिफ्ट टैक्स. विजय माल्या, सपोज उसने नीरव मोदी से पैसा उसको दिया और सामने डायमंड्स खरीदे और अपनी आईपीएल टीम के बेस्ट परफॉर्मर को गिफ्ट के रूप में डायमंड्स दे दिए. इन दैट केस विजय माल्या हु इज गिविंग द गिफ्ट, उसने वो जितना गिफ्ट का अमाउंट है उसका कुछ परसेंट वैल्यू के हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पे करना था. दैट वॉज गिफ्ट टैक्स एंड इट वॉज डायरेक्ट टैक्स. नाउ वॉट हैपन्स, ये तो गिफ्ट टैक्स इट इज एलिमिनेटेड इन द 90s, ऐसी कोई चीज है ही नहीं. नाउ वॉट हैपन्स, विजय माल्या बाइज द डायमंड, तो नीरव मोदी को क्या पे किया होगा, अमाउंट प्लस जीएसटी. जीएसटी वाला पोर्शन किधर जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स में जाएगा.
तो जीएसटी और वो सारी चीज इनडायरेक्ट में गई। अब ये जो गिफ्ट में डायमंड दे के ये क्रिकेट प्लेयर को दिया हु इज परफॉर्मिंग वेरी नाइसली, देन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल से यू हैव रिसीव्ड अ गिफ्ट वैल्यू बियॉन्ड एक्स रुपीज अगर होगा तो वो टैक्सेबल इनकम में काउंट करके आप गिनो और फिर 5, 20, 30% जो बनता है यू हैव टू पे डायरेक्ट टैक्स। सो इट इज लाइक दैट। सो नाउ देयर इज नो गिफ्ट टैक्स। व्हाट इज फ्रिंज बेनिफिट? इफ यू आर डूइंग अ जॉब देन द सैलरी विल बी पेड, और सैलरी के ऊपर अगर कंपनी आपको कुछ और बेनिफिट्स देती है दोज आर कॉल्ड फ्रिंज बेनिफिट्स। फॉर एग्जाम्पल किंगफिशर वो सैलरी पे करता है विजय माल्या, अपार्ट फ्रॉम दैट वो किंगफिशर स्टाफ को बोलता है कि मैं आपको फ्री गोल्फ मेंबरशिप भी दिलवाऊंगा, मैं आपको ये जिमखाना की मेंबरशिप फी भी मैं ही पे करूंगा। सो दीज आर फ्रिंज बेनिफिट्स गिवन बाय द कंपनी टू द एम्प्लॉइज। सो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ थिंग कॉल्ड फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, मतलब कि ऐसी जिमखाना गोल्फ की मेंबरशिप जो कि कंपनी का ओनर पे कर रहा है फॉर ही स्टाफ, तो वो जितनी फी पे किया उसका 30% फ्रिंज बेनिफिट टैक्स बोल के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे करना था। एंड एडिशनली वो फीस है बोल के वो जिमखाना क्लब मेंबरशिप उस पर सर्विस टैक्स तो लगता था और वो जाएगा किधर, इनडायरेक्ट टैक्स वाले डिपार्टमेंट में। सो दिस वॉज वंस अपॉन अ टाइम। सो यस, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स इट वॉज वन टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स। वाई? ये आदमी खुद पैसा खर्च कर रहा है सो इम्पैक्ट इज ऑन हिम कि 30% काट के देना है, और इंसिडेंस भी आप सोचो कि वो उसी ने जाके सर जमा करना है, सो इट इज अ डायरेक्ट टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर। बट ऑफकोर्स दिस वॉज एबोलिश्ड इन द ईयर 2010। सो आफ्टर नाउ वॉट हैपन्स, सपोज कंपनी इज पेइंग सैलरी एंड अदर फ्रिंज बेनिफिट जैसे ग्लोबल मेंबरशिप, जिमखाना मेंबरशिप, तो उस पर कंपनी ओनर ने तो कोई फ्रिंज बेनिफिट सरकार में डायरेक्ट टैक्स देना नहीं है। ऑफकोर्स ये जो फी है उसके ऊपर अब जीएसटी लगेगा, सर्विस टैक्स इज गॉन, सो सर्विस टैक्स इज टू बी पेड एंड दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। बट ये जो कंपनी के एम्प्लॉय में मुफ्त में गोल्फ मेंबरशिप, जिमखाना मेंबरशिप बनी उसकी वैल्यू काउंट की जाएगी एंड देन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल से इट इज टैक्सेबल इनकम, और उस पर इनकम टैक्स भरो विच इज अ डायरेक्ट टैक्स, तो फिर स्लैब गिनेंगे 5%, 20%, 30%। सो यस, सो देर आर सम डायरेक्ट टैक्सेस ऑन एक्सपेंडिचर ऑल्सो, जैसे यूनियन का ये होटल रिसिप्ट टैक्स, एक जमाने में आपने होटल में खाया और आप ही अपने होटल बिल के हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सीधा पैसा पे करो, देर वॉज अ डायरेक्ट टैक्स लाइक दैट। गिफ्ट टैक्स जो अभी हमने देखा, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स अभी हमने देखा, सो यू आर स्पेंडिंग मनी एंड यू आर पेइंग टैक्स डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, तो वो डायरेक्ट टैक्स हो गए। ऑफकोर्स बाइसिकल और कार में ये होगा यू विल पे द मनी प्लस जीएसटी, और फिर उसका जीएसटी पोर्शन दैट कार डीलर विल पे टू द गवर्नमेंट, आप बोलेंगे जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स। एनीवेज, ये चीजें होटल रिसिप्ट, गिफ्ट टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट्स, दे हैव बीन अबॉलिश ओवर द ईयर्स। तो अभी कौन से फाइनेंस मिनिस्टर ने अबॉलिश किया, कुछ यशवंत सिंह ने किया था, कुछ जेटली ने किया, वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है। हाउ एग्जैक्टली दे वो कैसे काम करते थे, कितना रेट था, दोज थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। मैक्सिमम एमसीक्यू ऐसा बनता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स कॉर्पोरेशन सबको पता है, सो टू कन्फ्यूज यू वो ऐसे कुछ अतरंगी रखेंगे, सो नाउ यू नो दीज आर ऑल्सो द डायरेक्ट टैक्सेस। सो वट आर द मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, क्या लाभ हैं इसके? फर्स्ट, दे आर प्रोग्रेसिव इन नेचर, समानुपाती है। कैसे? गरीब आदमी 0% इनकम टैक्स, मिडिल क्लास 5%, मुकेश अंबानी 30%। सो रिचर द पर्सन हायर द इनकम टैक्स एंड लाइक दैट इनकम की इनइक्वालिटी आप कम कर सकते हैं, वो पैसा लेकर पीएम किसान योजना सब किसानों को दे दो 6,000 रुपीज। देन यू कैन इनकरेज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इनकम टैक्स में बोला जाए कि अगर आपने नेशनल पेंशन सिस्टम, पीपीएफ, LIC सब में इतना पैसा इन्वेस्ट किया, देन यू हैव टू पे लेस इनकम टैक्स, सो पीपल विल इन्वेस्ट मनी देयर, और वो सारा पैसा फिर कुछ गवर्नमेंट को जाएगा, कुछ कंपनियों को इन्वेस्टमेंट में मिलेगा इन शेयर बॉन्ड, सो लाइक दैट इट विल हेल्प द इकोनॉमी। दिस डायरेक्ट टैक्सेस दे आर इलास्टिक इन नेचर, मतलब अगर थोड़ा बड़ा 30-40% कर दिया मुकेश अंबानी पे, तो वो बहुत ज्यादा उसके क्वांटिटेटिवली अमाउंट आपको मिल के आएगा, सो दे विल शो क्विक रिजल्ट्स व्हेन रेज्ड और लोअर्ड। देयर इज अ सर्टेनिटी when and how, कि एडवांस टैक्स है तो ये क्वार्टर में भरना है, अदरवाइज यू हैव टू पे एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर बाय दिस टाइम, देयर इज सर्टेनिटी। डायरेक्ट टैक्स की मदद से यू कैन रिड्यूस द वॉलेटिलिटी इन द इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज बाय इम्पोजिंग अ टॉबिन टैक्स, कैसे वो हमने देखा आगे, सो दैट कैन ऑल्सो हेल्प। सो दीज आर मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। नाउ वॉट आर द डी मेरिट्स, नुकसान क्या है? फर्स्ट, डायरेक्ट टैक्सेस आर एक्सपेंसिव टू कलेक्ट, क्योंकि उसके ऊपर आपने स्टाफ बिठाना होगा, स्टाफ डेटाबेस मॉनिटरिंग करेगा, बिग डेटा एनालिटिक्स एंड सो मेनी थिंग्स। एज अ रिजल्ट हम बोलते हैं कि अगर 2.5 लाख या उससे कम वाला है उसके ऊपर हम टैक्स नहीं लेते हैं, राइट? टैक्स, इनकम टैक्स इज फॉर सम हायर पीपल ओनली, कि 2.5 लाख, 2-5 लाख एंड 5-10 लाख अपवर्ड्स एंड सो ऑन।
हम लोग 1 लाख रुपए अगर कोई फैमिली की टैक्सेबल इनकम है, वाई वी आर नॉट डिमांडिंग 1% इनकम टैक्स ऑन देम? क्योंकि एनुअली इतनी तो बहुत सारी फैमिली होगी लाखों करोड़ों में, उन सबके टैक्स के फॉर्म फिलअप करो, प्रोसेस करवाओ, उसके ऊपर मॉनिटरिंग करो, इट विल बिकम वेरी टीडियस. सो देयरफॉर द बेस इज नैरो. बेस मतलब कितने लोगों से आप कलेक्ट करते हो. तो डायरेक्ट टैक्स में बेस इज नैरो, इनडायरेक्ट टैक्स में बिग. कैम बिकॉज एवरी वन हु वॉन्ट्स टू बाइसिकल सो परचेज करना है, हेयर ऑयल हर एक ने परचेज करना है, सो देर इज नो एग्जेम्पशन, एवरी वन हैज टू कम एंड पे दैट. सो इनडायरेक्ट टैक्स का बेस बहुत बड़ा होता है, डायरेक्ट टैक्स का बेस बहुत छोटा होता है. क्यों? इफ योर टैक्सेबल इनकम इज लेस देन 2.5 लाख तो आपको तो वो कुछ भरना ही नहीं है. सो दिस इज फर्स्ट डीमेरिट ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस. सेकंड, एक्सटर्नालिटी इज नॉट काउंटेड. एक्सटर्नालिटी का मतलब है कि कोई अनरिलेटेड थर्ड पार्टी को असर हो जाए. सपोज शाहरुख खान इज प्रमोटिंग सम सिगरेट का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है वो, देन कंपनी को बेनिफिट होगा, यस. कंज्यूमर को बेनिफिट होगा, यस, बिकॉज ही विल फील हैप्पी. शाहरुख खान पीता है वही ब्रांड की सिगरेट, मैं भी पीता हूँ, दे विल फील हैप्पी. बट सम अनरिलेटेड थर्ड पार्टी बस स्टैंड पे खड़ा है और पैसिव स्मोकिंग से उसके फेफड़ों को नुकसान हो रहा है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सटर्नालिटी. बट वेन वी लुक एट द इनकम टैक्स, वो क्या बोलता है? फिल्म स्टार प्रमोटिंग सिगरेट और उसको जो सैलरी में, मतलब वो एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में जो पैसा आया, 30% टैक्स लगेगा. अपोजिट टू दैट, सपोज एक एकेडेमिक बुक कंपनी है जो कि स्कूल के पुस्तक छापता है और उसको प्रॉफिट हुआ, उसके ऊपर भी 30% टैक्स. सो इट विल नॉट काउंट एक्सटर्नालिटी. डायरेक्ट टैक्सेस डू नॉट काउंट एक्सटर्नालिटी. दैट इज अ डीमेरिट. थर्ड डीमेरिट इज हार्डशिप इज ऑल्सो नॉट काउंटेड. एक कारपेंटर पूरा दिन रंधा और वो सब घिसके एक्स अमाउंट ऑफ कैलरी बर्न करके वो पैसा कमाता है और सपोज उसके ऊपर भी कितना इनकम टैक्स, 5%. एक लैंडलॉर्ड जो कुछ काम नहीं करता, वो सोता रहता है और लोग उसको भाड़े में पैसा देते हैं फॉर हिज प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी की रेंट में जो इनकम आई, देन इतना टैक्सेबल इनकम है, उसको कितना इनकम टैक्स, 5%. सो वेदर यू आर स्लीपिंग और वर्किंग, हाउ मेनी कैलरीज यू आर वेस्टिंग फॉर डूइंग द, फॉर गेटिंग द अमाउंट, वो कुछ इनकम टैक्स काउंट नहीं करता है. सो दैट इज अ डीमेरिट ऑफ द डायरेक्ट टैक्स. अगर कोई इकोनॉमी में इनकम टैक्स या ऐसे डायरेक्ट टैक्स बहुत बढ़ा दिए जाए, 40%, 50%, तो लोग क्या करेंगे? देन दे विल नॉट वर्क. सपोज यू आर वर्किंग एंड यू हैव टू पे 60% एज इनकम टैक्स, देन व्हाट इज द मोटिवेशन टू वर्क एट ऑल? पीपल विल बिकम लेजी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट विल डिक्लाइन. सपोज इंडियन गवर्नमेंट सेज कि फॉरेन कंपनीज हैव टू पे 40% ऑन कॉर्पोरेशन टैक्स, ओके, बट वी आर इंक्रीजिंग इट टू 60%, देन नो फॉरेन कंपनी विल कम एंड सेट अप प्लांट्स इन इंडिया. तो हाई लेवल ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कैन डिस्करेज द इकोनॉमी लाइक दैट. एंड लास्टली, दे आर प्रोन टू लिटिगेशन एंड लूपहोल्स एंड टैक्स इवेजन एंड अवॉइडेंस. वो कैसे, हम लोग आगे ब्लैक मनी लेक्चर में पढ़ेंगे. एक तो आज देखा था हमने गूगल टैक्स, इक्विलाइजेशन लेवाई. सो ऐसे बहुत सारे लूपहोल्स के चलते पूरा टैक्स कलेक्ट हो नहीं पाता है. नाउ दिस थिंग्स आई हैव गिवन ऑन पेज 101, सिंपली 2 कॉलम्स यू हैव टू फिल. मेरिट्स ऑफ द डायरेक्ट टैक्स क्या है? दे आर प्रोग्रेसिव इन नेचर. डीमेरिट क्या है? दे आर नॉट काउंटिंग द एक्सटर्नालिटी. वेन यू से इनडायरेक्ट टैक्स लाइक GST, तब बोल सकते हैं सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू के ऊपर वी विल इम्पोज हायर टैक्स. देर यू कैन डू थिंग्स लाइक दैट. हियर वी कैन नॉट डू इन डायरेक्ट टैक्सेस. शुभम सिंह, एक्सटर्नालिटी कल GST के साथ हम लोग वापस पढ़ेंगे. सो डू नॉट वरी, टुमारो अगेन वी आर कमिंग टू एक्सटर्नालिटी विद GST, तो वापस हम वो देखेंगे. यस हरमन, कल रात 9 बजे इसकी टेस्ट होगी. आज जो पढ़ा और कल सुबह जो पढ़ेंगे. यस, सो यू हैव डन इट. आगे बढ़ते हैं. एडम स्मिथ. एडम स्मिथ वॉज फ्रॉम स्कॉटलैंड. उसकी किताब थी वेल्थ ऑफ नेशन. ही इज कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. नाउ ही गेव 4 कैनन्स. कैनन मतलब सिद्धांत. टैक्सेशन के उसने 4 सिद्धांत दिए. एनी गुड टैक्स इट शुड फॉलो दिस 4 प्रिंसिपल्स. पहला सिद्धांत दिया कैनन ऑफ इक्वालिटी. इक्वालिटी मतलब जो भी टैक्स है वो आपके इनकम प्रॉफिट के प्रोपोर्शनेट होने चाहिए. ऐसा नहीं कि 80%, 90% रैंडमली कुछ भी मांग लिया हर एक से. सेकंड इज कॉल्ड कैनन ऑफ सर्टेनिटी. सर्टेनिटी अबाउट द डेडलाइन एंड रेट्स, दैट इफ यूर टैक्सेबल इनकम इज अप टू दिस मेनी तो आपने इतना 5, 20, 30 भरना है, ये तारीख तक भरना है. अगर इससे ज्यादा भरना, यू हैव टू पे इट इन एडवांस इंस्टॉलमेंट्स एंड सो ऑन. सो देर शुड बी सर्टेनिटी. रैंडमली सरकार को सपना आ जाए और वो बोले कि X% टैक्स फॉर बिल्डर, स्टैचू, टेम्पल और मॉस, तो वो इट विल नॉट बी अ गुड टैक्सेशन सिस्टम. थर्ड इज कॉल्ड कैनन ऑफ कन्वीनियंस.
कन्वीनियंस मतलब सुविधा होनी चाहिए टैक्स पेयर को, ऑनलाइन पे कर सके, सिंगल फॉर्म के अंदर वो पूरा इनकम टैक्स का डिटेल डाल सके, ऐसा होना चाहिए। सो वेटिंग इन द लॉन्ग क्यूज, 50 पेजेस का फॉर्म भरो, वो सब नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट इज कॉल्ड कैनन ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी इन दिस सेंस इज मित व्ययता, यानी कि खर्चा कम होना चाहिए। द कलेक्शन कॉस्ट शुड बी मिनिमम। अगर सरकार ये बोले कि हर एक से इतना टैक्स लेना है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, बट फॉर दैट वट एवर स्टाफ दे आर डिप्लॉइंग, जितना सर्वर और पेपर वर्क का खर्चा, इट शुड बी मिनिमम। ऐसा नहीं कि 100 करोड़ टैक्स कलेक्ट करने गए और सामने स्टाफ सैलरी में 90 करोड़ पे कर दिया। सो दीज आर 4 कैनन्स ऑफ टैक्सेशन: इक्वालिटी, सर्टेनिटी, कन्वीनियंस, इकोनॉमी। नाउ दिस आई हैव गिवन ऑन पेज 99 एंड 100। लिखना इसलिए बिकॉज दे आर आस्किंग MCQ, सो वी हैव टू रिमेंबर देम। इक्वालिटी है, सर्टेनिटी है, कन्वीनियंस है, इकोनॉमी है। पेज 99, पेज 100 किसने दिए? एडम स्मिथ ने, नॉट जॉन मेनार्ड कीन्स। जॉन मेनार्ड कीन्स तो आप याद करो, वो 3 टाइप ऑफ why people kept मनी क्यों रखते हैं, स्पेकुलेटिव डिमांड एंड ट्रांजेक्शन एंड प्रिकॉशनरी मोटिव एंड अदर थिंग्स। सो डू नॉट मिक्स अप दी थिंग्स, रिवाइज करते रहो हमेशा, इट विल हेल्प यू। या सो नमन, दीपक एंड अदर्स, यू हैव डन दिस। इक्वालिटी, सर्टेनिटी, कन्वीनियंस, इकोनॉमी। सो आई होप इट इज डन, अदरवाइज अभी पावर पॉइंट अपलोड ही होगा। सो हियर CDS 2019, मतलब इस साल वाले फर्स्ट एग्जाम जो ली, उसमें सिंपल पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनन ऑफ टैक्सेशन वॉज नॉट एडवोकेटेड बाई एडम स्मिथ। तो अभी देखो कि इक्वालिटी तो उसने बोला, या सर्टेनिटी बोला, कन्वीनियंस बोला, तो नहीं क्या बोला होगा। कैनन ऑफ फीजल एडिक्वेसी, ऐसी तो भाई उसने कोई बात बोली ही नहीं। सो लाइक दैट दे विल फ्रेम द MCQ। अफकोर्स अगर सिविल सर्विस एग्जाम में पूछना होता तो देन वॉट दे विल डू इज दे विल गिव यू 1, 2, 3, 4 and then only 1, only 2, only 3, 4 and like that they will frame the MCQ. I will ask you to solve this question. I will give you 1 minute and 20 seconds. Isko solve karo. This was asked in 2016. Aaram se padhiye aur solve kariye. I give you 1 minute 20 seconds. Let us conduct a poll. Okay, time is up. Let us solve this one. स्टेटमेंट क्या है? यू हैव टू फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमेशा डायरेक्टिव वर्ड को मैं सर्कल करूं, करेक्ट पकड़ना है। एंड देन ऑब्जर्व द स्टेटमेंट, जो एकदम गलत हो पहले एलिमिनेट कर देते हैं। अ प्रोग्रेसिव टैक्स टेक्स लार्जर शेयर ऑफ टैक्स फ्रॉम पुअर फैमिली देन फ्रॉम रिच फैमिली। नहीं भाई, इट इज इनवर्स। प्रोग्रेसिव टैक्स मतलब मुकेश अंबानी हैज टू पे लार्जर पोर्शन ऑफ हिज इनकम कंपेयर टू अ पुअर और मिडिल क्लास फैमिली। सो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, और मुझे जहां पर भी 3-3 दिखे मैं उसको डिलीट कर दूं। सो ए एंड डी आर गॉन, हमारे पास 50-50 बचा। सो नाउ बी और सी कुड बी द आंसर। अब दोनों ही बी और सी में देखो, 2 and 4 आर कॉमन, तो वो तो सही है, हमको मान ही लेना पड़ेगा। सो 2 and 4 वो क्या है? 2 बोलता है द बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन स्टेट्स दैट इंडिविजुअल शुड बी टैक्स्ड इन प्रोपोर्शन ऑफ द बेनिफिट दे रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। यानी कि जिसको सरकार की योजना का ज्यादा लाभ मिलता हो उसके ऊपर उस प्रपोर्शन में सरकार ने टैक्स लेना चाहिए। अफकोर्स हमने तो ये अभी तक पढ़ा नहीं, बट वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन। सो ऑब्जर्व दैट सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बिकॉज एलिमिनेशन के हिसाब से जाओ तो दोनों जगह पर ये तो कॉमन है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोलता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव एडवांटेज ऑफ बीइंग चीपर एंड इजियर टू कलेक्ट। वो कैसे कल GST में हम लोग देखेंगे, बट यस वो भी इस हिसाब से हम जाएं बाय एलिमिनेशन, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो 2 and 4 आर करेक्ट। सो एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू वेदर फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग।
फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है द एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन इट होल्ड्स दैट अमाउंट ऑफ टैक्स पीपल पे शुड रिलेट टू देयर इनकम और वेल्थ. एबिलिटी टू पे मतलब जितना हो उतने होना चाहिए, एकदम गरीब को 80% टैक्स मांगो वो ठीक नहीं रहेगा. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. सो आंसर विल बी 1, 2 and 4. ऑफकोर्स मैंने तो ये चीज आपको अभी तक पढ़ाई नहीं, एडम स्मिथ के चार प्रिंसिपल ही हमने देखे, दिस इज नॉट इवन गिवन इन हैंड आउट. फिर भी मैंने ये इसको इस तरह से क्यों रखा है, टू डेमोस्ट्रेट दैट इन रियल एग्जाम ऐसा हो सकता है कि पूरा पढ़ाओ बट आधा ही हमको बताओ, राइट. स्टिल वी कैन ट्राई टू अराइव एट द आंसर. अगर फिर भी आपको यू आर स्टिल कन्फ्लिक्टेड कि बी या सी होना चाहिए तो आप रियल एग्जाम में स्किप भी कर सकते हो, या फिर कि अगर आपको लगे 50-50 वाले जो है स्टेटिस्टिकल की उसमें कुछ गेन हो सकता है देन यू कैन ट्राई दैट ऑल्सो, बट ये करना तो जरूरी है. सो यस, बट हर एक प्रिंसिपल की अगर हम लोग नोट्स बनाना शुरू करें देर विल बी सम 8 to 12 प्रिंसिपल, और उसके अलावा और रिसर्च करो उतना ज्यादा निकलते आएगा, अल्टीमेटली पुअर कॉस्ट बेनिफिट. तो जितना जरूरी था हमने पढ़ा, उसके बाद इसका तो कुछ अंत ही नहीं है. बट यस, व्हाट आर द टैक्सेस 2019-20 यूनियन गवर्नमेंट अपने बजट में प्रोजेक्ट करेगी कि दिस मच अमाउंट वी आर होपिंग दैट वी विल कलेक्ट. तो उसमें कॉरपोरेशन टैक्स में गवर्नमेंट की होप ये है कि 7,60,000 करोड़ रुपए उनको इसमें से मिलेंगे. इनकम टैक्स में उनका टारगेट ऐसा प्रोजेक्शन है कि 6,20,000 करोड़ हमको मिलेंगे, और ये सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स उसमें हमको कितने मिलेंगे 12,800 करोड़. यू मे बी वंडरिंग तीन ही आपने तो बोले कॉरपोरेशन इनकम टैक्स एंड एसटीटी, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे बोला. वॉट अबाउट द कैपिटल गेन्स टैक्स, वॉट अबाउट द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ये गूगल की इक्विलाइजेशन लेवी, टीडीएस अमाउंट, वो सब किधर है, उसका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं दिया. असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर तब दे सकते हैं जबकि वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेपरेटली सब मेंशन किया हो, दे आर नॉट सेपरेटली शोन और मेंशन इन द ईएफएस. आपको ज्यादा डिगिंग करके वो निकाल तो सकते हैं बट हमको अपने लिमिट करना होता है कि कितनी तैयारी करनी चाहिए. बजट के साथ प्रेजेंट हुआ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके अंदर जितनी जानकारी है वहां से सिलेक्टेड अमाउंट वी हैव टू प्रिपेयर. सो गोइंग बाय द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, कुछ कुछ बार ऐसा पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिविंग हाईएस्ट रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, या असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो. सो यस, डायरेक्ट टैक्स में तो फंडा कुछ ये बनता है, बाकी के किस में क्या होता है वो तो डॉक्यूमेंट में उन्होंने दिया नहीं, वी आर नॉट बॉदरिंग विद दैट. सो प्लीज अपडेट पेज नंबर 100 में सभी टैक्स की मैंने सूची दी है ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस, और नीचे एक ब्लैंक है कि इनडायरेक्ट सॉरी डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्शन वाइज तो सबसे ज्यादा किधर मिलेगा, कॉरपोरेशन टैक्स से थोड़ा कम मिलेगा, इनकम टैक्स से थोड़ा कम मिलेगा, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स. कलेक्शन वाइज सरकार को विच डायरेक्ट टैक्स गिव्स हाईएस्ट अमाउंट, तो जवाब होगा कॉरपोरेशन टैक्स. सो नमन अलीफ एंड अदर्स यू हैव डन दिस वेरी नाइस. कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, तीन का ग्राफ याद रखना है. ऑफकोर्स इनकेस यू आर वंडरिंग व्हाट हैपन टू कैपिटल गेन्स टैक्स, तो अल्टीमेटली वो आपके इनकम टैक्स में रिफ्लेक्ट होके आएगा. व्हाट हैपन टू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, वो गिनेंगे इस प्रकार से. सो लाइक दैट इट विल बी काउंटेड समवेयर, बट वो एग्जैक्टली क्या कैसे क्यों करते हैं दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस. हमको जो जानना था उतना तो हमने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, ऐसे एमसीक्यू सुपरफिशियली निकलते हैं. सो वी आर स्टडिंग द बजट, बजट का रेवेन्यू पार्ट, उसमें रिसीप, उसके अंदर टैक्स में हमने डायरेक्ट टैक्स पढ़े, कॉर्पोरेशन इनकम, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स एंड मेनी अदर थिंग्स. सो दिस इज डन फॉर टू नाइट. कल सुबह मिलेंगे तो लेक्चर क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब नीचे जीएसटी, एक्साइज, कस्टम एंड एसोसिएटेड टॉपिक्स. और उसके बाद संडे नाइट को क्विज है, वो कितनी बजट में अब तक जो पढ़ा और कल सुबह पढ़ेंगे अप टू जीएसटी. ओके, दैट मच. मतलब शनि रवि को हमने जो पढ़ा उसकी कल रात 9:30 बजे टेस्ट है. सो यू हैव एंटायर डे टू प्रिपेयर द थिंग्स, तो उतना डरने की भी जरूरत नहीं है. सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, सी यू टुमारो मॉर्निंग. A very good evening to all of you friends. We will start the class at 6 p.m. So 4 more minutes to go. 4 minutes ke baad ye class hum log shuru karenge.
टू मोर मिनट्स टू गो एंड देन वी विल स्टार्ट द क्लास. Okay friends, again good evening to all of you. It is now 6 p.m. in my mobile, so now we will start the class. First question is always, can you hear me, can you see me, kya aapko meri awaaz aa rahi hai, kya aap mujhe dekh pa rahe hain. I will start a small poll for this. And the answer is yes for most. Agar koi takniki rukawat hai, any technical problem, simply aap control shift r या कंट्रोल आर दबाकर अपने ब्राउजर को रिफ्रेश कीजिए, थोड़ी देर बाद वो वापस रिकनेक्ट हो जाएगा. यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट वीक हमने खत्म किया था इंश्योरेंस पेंशन फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स, और वहां पर बहुत बहुत बधाई भाई श्रेय शशांक, सुरभि गोयल, विनी, हरबीर, अजीत, राकेश, अमित, यश, हिमानी, अनिमेश एंड देन अरुणीश, अर्चित, सचिन, अवि, एकता, शिवाजी, वेद, जी की एस्पायरेंट, मयंक एंड रवि रोशन, दोज हु हैव सिक्योर्ड द फर्स्ट 20 रैंक्स. रिगार्डिंग द क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स फ्रॉम ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट. अब ये वाली ऐसी चीज है जो कि इमीडिएटली प्रीवियस हैंडआउट इंश्योरेंस पेंशन सेक्टर में नहीं थी, उसके अलावा भी कुछ पुराने हैंडआउट्स के अंदर से थोड़ा थोड़ा कंटेंट आपने जमा करना था. सो एवरीथिंग इज फ्रॉम हैंडआउट ओनली, बट नाउ क्यूम्युलेटिव नॉलेज एंड रिकलेक्शन एंड एलिमिनेशन वाज रिक्वायर्ड. अब यहां पर आप कुछ जोड़ सकते थे इसको, एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम की बात करो, दैट इज प्री मोदी एरा, और ये वाय वंदना योजना याद करो, डीमोनेटाइजेशन के बाद सीनियर सिटीजन को इनकम सिक्योरिटी मिलती रहे उसके लिए वो